जय हिंद साथियों। कहा जाता है आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का इसे खोना नहीं है। कहा जाता है आपको समय एक बार मिलता है, टाइम एक बार मिलता है, दोबारा चांस नहीं मिलता है। जो समय मिला है उस समय को यूज़ करके एक बार में अपने आप वर्दी पहनिए आप, ठीक है। और स्टार्ट कर लेते हैं आज का जो पेपर है, जीडी पेपर है, जो कि 50 प्रश्नों का पेपर है। और आज देखेंगे 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन और अपने आप को चेक करें लाइव टेस्ट में कि 50 क्वेश्चन में से कितना कर पाते हैं। जैसा इसमें क्वेश्चन है उसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपके ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन आएंगे। तो आज से आपका सीरीज स्टार्ट हो रहा है आर्मी जीडी का, जो डेली 9 बजे मिलेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं आज का एक क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले, इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करके ही आगे बढ़ें। देखिए सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है धार्मिक पुस्तक कुरान किस संप्रदाय से संबंधित है। ये जो कुरान है ये कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है ईसाई, इस्लाम, सिख या फिर बौद्ध, यानी कौन से धर्म से संबंधित है कुरान। तो ये संबंधित है इस्लाम धर्म से। किससे? तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। अगला है विश्व प्रसिद्ध गोलकुंडा किला कहाँ पर स्थित है? गोलकुंडा किला जो है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आगरा, भोपाल, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गोलकुंडा जो है, गोलकुंडा किला पर है कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद के अंदर। कहाँ है? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 अगस्त, 8 मार्च, 28 फरवरी और 23 फरवरी। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला है कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पहला है उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार का पटना, राजस्थान, उदयपुर, तमिलनाडु, चेन्नई, यानी कि यहाँ पर दिया गया है स्टेट और कैपिटल का कम्बिनेशन है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का कैपिटल होता है लखनऊ, ठीक है, बिहार का पटना होता है, ठीक है, लेकिन राजस्थान का जयपुर होता है, लेकिन यहाँ पर उदयपुर दे दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, सी जो है, ये गलत है। यानी आपको यही पता करना था कौन सा गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य से सबसे अधिक वन क्षेत्र है? कौन से राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो याद कर लीजिए भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है ये है मध्य प्रदेश। कौन सा है? ये है मध्य प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? ऑप्शन है कॉर्नवालिस, वारन हेस्टिंग्स, डलहौजी या विलियम वेंटिक। तो आपका आंसर यहां पर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिया है विलियम वेंटिक के काल में सती प्रथा का अंत हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है टीपू सुल्तान कहां का शासक था? टीपू सुल्तान कहां का शासक था? ऑप्शन है ग्वालियर, झांसी, मैसूर या हैदराबाद। तो याद कर लीजिए कि टीपू सुल्तान जो है वो हैदराबाद, मैसूर का क्या था वो टीपू सुल्तान था, शासक था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी कौन सा स्थान, सिंधु घाटी का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है कौन सा जो सिंधु घाटी का जो स्थान है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर आलमगीरपुर। कौन सा आपका ऑप्शन सही है यहां पर है? आप लोग टेस्ट करें, आप लोग अपने जान पाए। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूं आप लोग अपने आंसर को मैच कर लो। क्या है इसका आंसर? है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है मोहनजोदड़ो, यानी कि सिंधु नदी के कौन से किनारे प्रसिद्ध कौन सा स्थित है? यह है मोहनजोदड़ो, आपका आंसर है। आगे है पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ऊटी या शिमला, मसूरी या दार्जिलिंग। इसे कहा जाता है मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट यहां पर है। आगे बढ़ता हूं। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, प्रेमचंद और एमजे अकबर। तो कौन है लज्जा पुस्तक का जो लेखक है? याद कर लीजिए ये है तस्लीमा नसरीन।
नसरीन। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है, चेक कर लीजिए अपने आंसर को, व्हाइट हाउस जो है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन जो है आपके सामने में जापान है, अमेरिका है, चीन है, इनमें से कोई नहीं। तो चेक करिए आपका आंसर कौन सा यहाँ पर है। आप लोग सभी कमेंट करिए अभी, क्योंकि अभी जो है लाइव चैट में आपका जो है सभी कमेंट मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपका लाइव होगा दिन के 9 बजे मैं सभी का कमेंट चेक करूँगा, सभी का मैं कमेंट देखता रहता हूँ। तो आप जब जरूर करें सभी का क्वेश्चन का आंसर, और लास्ट में मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितना करा और आपका पेपर कैसा लगा। लाइक करो जब आपके पेपर पसंद आए, आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल हो तभी, क्योंकि आपके सामने 50 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत इसमें होता है, बस आप लोगों एग्जाम के लिए आता है ये चीज़। तो देखिए आपका जो आंसर यहाँ पर है ये है अमेरिका। क्या है, व्हाइट हाउस कहाँ पर स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है। आगे है रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में स्थित है, रामेश्वरम मंदिर जो है ये कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन जो है आपके पास कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु या बिहार। तो बताइए आपका आंसर कौन सा यहाँ पर है। देखिए आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर रामेश्वर मंदिर है। आगे है मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है, मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है भारत में। ऑप्शन है उच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो याद करिए मृत्यु दंड को सिर्फ एक ही लोग माफ कर सकता है, जो भारत के प्रथम व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अभी आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है एम्स्टर्डम, ब्रुसेल्स, बर्लिन या पेरिस। तो बताइए आपका आंसर इसमें से कौन सा हो रहा है। आपका आंसर जो हो रहा है इसमें से नाटो का जो मुख्यालय है ये है ब्रुसेल्स के अंदर, ठीक है, ब्रुसेल्स के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर है। आगे है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1903 ईस्वी में, 1904 में, 1906 में या 1905 में। तो देखिए आपका आंसर यहां पर जो है बंगाल का विभाजन जो हुआ था ये हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है अब साइंस का क्वेश्चन पर आते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पहले 25 क्वेश्चन करा मैंने जीके का, अभी मैं साइंस का क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो कि है पहला क्वेश्चन, जी का मान अधिकतम होता है कहाँ, जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ होता है। ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी से 100 मीटर ऊंचाई पर, पृथ्वी सतह से 100 मीटर गहराई पर, कहाँ पर होता है। तो याद करिए अपना आंसर मैच करिए, जी का मान जो होता है ये होता है पृथ्वी के सतह पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। आगे है प्रिज्म से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है, प्रिज्म से किस रंग का प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है लाल रंग का, बैंगनी का, नीला का या इनमें से कोई नहीं। चेक करिए अपना आंसर। ऑप्शन आपका जो है इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर है, जो कि बैंगनी। प्रिज्म का रंग जो होता है, प्रिज्म से जो प्रकाश बैंगनी होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन पहला जो है एक्सरे किरण, रेडियो तरंगे, ऊष्मा विकिरण या ध्वनि तरंगे। कौन सा आपका यहां पर आंसर है। आपका आंसर यहां पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है ये चुंबकीय तरंगे नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है आवेश है, आवेश क्या है, क्या एक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, प्रोटॉन का प्रवाह है, न्यूट्रॉन का प्रवाह है या इनमें से कोई नहीं। आवेश क्या है, आवेश क्या है, आवेश एक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक रंग नहीं है, कौन सा एक प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन है पीला, लाल, हरा या फिर नीला, कौन सा है। तो आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि पीला है, यानी पीला एक प्राथमिक रंग नहीं है। आगे बढ़ता हूं, आगे है ताप बढ़ने पर किस धातु से बने तार का प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ने पर किसी धातु में बने धातु से बने तार का प्रतिरोध क्या होता है, क्या घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो आप अपना आंसर मैच करिए, ताप बढ़ने पर क्या होता है, उसके प्रतिरोध में क्या होता है, घटता है, बढ़ता है। तो देखिए आपका ऑप्शन जो बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, जो कि इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे
आगे है 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इसके तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसके तुल्य प्रतिरोध का मान जो होगा, याद कर लीजिए, अपना 10 ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। आगे है, निम्न में से कौन सा दूसरी श्रेणी का लीवर नहीं है? देखिए लीवर नहीं है, कौन सा कह रहा है देख लीजिए। तो अपना आंसर चेक करिए और कमेंट करिए अभी आपका आंसर क्या अभी हो रहा है, या फिर लास्ट में मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपने 50 में से कितना क्वेश्चन करा है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो रहा है? सुपारी काटने का सरौता या फिर तराजू, दरवाजा या एक पहिया का ठेला, क्या होता है? ये होता है तराजू। ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अपने आंसर आपसे जरूर मैच करें और सही सही बताएं कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही सही कर रहे हो। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप रियल बोलो। अगर आप इसमें 10 ही क्वेश्चन करते हो तो कोई बात नहीं, आज अपना ईमानदारी से मुझे बताना कि आप 50 क्वेश्चन में से कितने करते हो। अगर आज ईमानदारी से बताओगे कि आपने 10 ही क्वेश्चन करा है, कल आप जरूर बताओगे, जरूर मेहनत करोगे अपने आप को, क्योंकि अपने आप से झूठ नहीं बोलते हो आप। इसलिए जो भी क्वेश्चन बनता है, जितना क्वेश्चन बनता है, आप कमेंट करके जरूर बताओ आप, ठीक है। और अपने मन में जुनून लाओ, अपने आप में जुनून लाओ कि इस बार मुझे करना है जो टाइम मिला है आपको, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, पहले ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ऑप्शन है, क्वेश्चन है, समान बीमाओं का युग्म है क्या है? समान बीमाओं का युग्म क्या होता है? कोण या संवेग हो या कार्य, कार्य और वर्ण आघूर्ण, स्थित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और रेखीय संवेग, गतिज ऊर्जा और वेग, क्या होता है? समान बीमाओं का तो युग्म जो होता है ये होता है कार्य और बलाघूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, मुख्य फ्यूज परिपथ में किस तार से जोड़ा जाता है? मुख्य फ्यूज जो होता है परिपथ में किस तार से जोड़ा जाता है? ऑप्शन जो है पहला आपका मुख्य धारा का तार या उदासीन या भू गर्भित तार या इनमें से कोई नहीं, क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख्य धारा तार हो जाएगा, मेन करंट वायर में जोड़ा जाता है मुख्य फ्यूज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो होता है किस में प्रयोग होता है? क्या अंतरिक्ष यान में प्रयोग होता है, तीरंदाजी में होता है, आंतरिक या आंतरिक कंबस्टन इंजन में होता है, या रासायनिक क्रियाओं में होता है? तो याद कर लीजिए, गति का जो तीसरा नियम है न्यूटन का तीसरा जो नियम है ये तीरंदाजी में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग और चेक करिए अपने आंसर को। क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की? अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की? हु इन्वेंटेड अल्फ्रेड नोबल, हु इन्वेंटेड यानी कि किसकी खोज की, हु व्हाट इन्वेंटेड, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो पहला जो है TNT का या हैंड ग्रेनेड का, अमोनियम या पर क्लोरेट का या फिर डायनामाइट का, किसने किसका खोज किया, किस चीज़ का खोज किया? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज किया। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि तरंगों को विद्युतीय तरंग में बदलता है, ध्वनि तरंग को विद्युतीय तरंग में क्या बदलता है? क्या सोनोमीटर बदलता है, माइक्रोफोन बदलता है, कान का फोन बदलता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में कौन बदलता है? ये बदलता है माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है देख लीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपके लिए। जितना मैंने क्वेश्चन लाया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करने वाला है ये। ऐसा क्लासेज आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा आपको, इसलिए चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और एक लाइक ज़रूर कर सकते हो, क्लास देखने के बाद एक शेयर जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन है, कौन सा रंग उष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है? कौन सा रंग उष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है? ऑप्शन है सफ़ेद, हरा, पीला, काला। कौन सा रंग जो होता है उष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है? ये होता है काला। कौन सा रंग करता है? काला रंग जो होता है उष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ, सूर्य से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? सूर्य से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन है उष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रसायन ऊर्जा या ये सभी। यानी देखिए याद कर लीजिए, अपना आंसर मैच कर लीजिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है जो कि उष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी होता है हम लोगों को सूर्य से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है, क्यू से किसका मात्रक है? क्यू से किसका मात्रक है? क्या ताप का मात्रक है, आयतन का मात्रक है, या फिर घनत्व का मात्रक है, या दाब का मात्रक है? तो याद कर लीजिए, क्यू से जो होता है ये होता है आयतन का मात्रक होता है, आयतन का मात्रक होता है वॉल्यूम का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है।
आगे है, तालाब के पानी की निचली सतह ठंडी होती है किसके कारण, क्या किसके कारण होता है? तालाब के पानी की निचली सतह जो होती है वो ठंडा होता है किसके कारण होता है? क्या संवहन के कारण होता है, या विकिरण के कारण होता है, चालन के कारण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या रीज़न होता है? तो याद करिए, अपना आंसर मैच करिए कि निचली सतह जो होता है ठंडा होने के कारण जो होता है संवहन होता है। क्या होता है? संवहन जो होता है आपका आंसर है यहाँ पर, संवहन के कारण ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छड़ चुंबक के मध्य से चुंबकत्व क्या होता है? क्या होता है छड़ के चुंबक या छड़ का जो होता है उसके बीच में क्या होता है? क्या उसका चुंबकत्व अधिक होता है या न्यूनतम होता है या शून्य होता है या इनमें से कोई नहीं? तो याद करिए जी, छड़ के जो मध्य में जो चुंबकत्व होता है, मैग्नेटिज्म जो होता है वो होता है जीरो। क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, बार किसे मापने की इकाई है? बार किसे मापने की इकाई है? ऑप्शन है गहराई का, ऊंचाई का, लंबाई का, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आपका आंसर यहाँ पर जो होता है ऑप्शन नंबर ए होता है, जो गहराई का, यानी बार किसे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेप्थ का गहराई को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। आगे है, मोटर कार के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? मोटर कार के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? क्या पानी होता है, वाष्प होता है, हवा होता है, या पेट्रोल होता है? तो याद करिए, मोटर कार के लिए ऊर्जा का स्रोत जो होता है चार ऑप्शन में से जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है पेट्रोल। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब आगे है आपका मैथ का क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करिए, क्या है 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर आकार के ईंटों को 20 मीटर गुना 10 मीटर क्षेत्र वाले सतहों पर रखा जाता है, ईंटों की संख्या क्या है? देखिए, ईंटों की संख्या निकालने के लिए, ईंटों की संख्या निकालेंगे क्या करेंगे, यानी कि उस सतह का, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे और भागा लगा देंगे, एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग लगा देंगे। देखिए, तो क्या 20 गुना में 10 हो जाएगा, लेकिन आपका देखो यहाँ पर 20 दिया है और 10 दिया है, ये है ईंटों की संख्या, ये तो एक संख्या और ये है सतह के क्षेत्रफल, लेकिन देखो ये दिया है मीटर में, ये दिया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को यहाँ रहने दो, और यहाँ पर 20 मीटर है ना, तो यहाँ को 100 से गुना कर दोगे तो क्या ये सेंटीमीटर बन जाएगा, 10 मीटर और है, 10 मीटर को 100 से गुना कर दोगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। अब 10 कट जाएगा, 20 कट जाएगा, यानी कि आप काट कितना हो रहा है 10,000 हो रहा है, 10,000 ईंटों की संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी में है। यानी ईंटों की संख्या निकालने क्या करेंगे, यानी उस क्षेत्र का जिस क्षेत्र में बिछाया जाएगा उसका और एक ईंट का क्षेत्रफल से भाग लगा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में निकल के आ रहा है। ठीक है, आगे है, 8² - 18x + 9 का गुणनखंड क्या होगा? अब देखिए, 8x² है, 18x है, प्लस 9 है। अब देखो दोनों को गुणा कर दो, पहले फर्स्ट को और लास्ट को, यानी कि 9 8 72, यानी 72x² हो रहा है। अब दो संख्या ऐसा ढूंढो जोड़ने या घटाने पर 18 आ जाए और गुणा करने पर 72 आ जाए, यानी कि 12 × 6 12 6 72, 72 तो गुणा करके हो रहा है और जोड़ने पर इतना हो रहा है ना, 12 और 6 हो रहा है। देखो 8x² माइनस में 12x कर दो, माइनस में 6x कर दो, प्लस में 9 कर दो, क्योंकि देखो माइनस माइनस रहेगा तभी तो प्लस यहाँ जुड़ के यहाँ 18 आ जाएगा ना, और साइन लगेगा बड़ी संख्या का। अब देखो ऐसे दोनों में कर दो, इसमें कॉमन ले लो, 4x कॉमन ले लो, तो 4 × 8x माइनस में 3 यहाँ पर हो जाएगा, इसमें से आप 3 कॉमन ले लो, इसमें x बच जाएगा, 2x बच जाएगा, प्लस माइनस में 3 9 3 बच जाएगा, यानी 1 हो जाएगा 4x माइनस 3 हो जाएगा, 4x माइनस 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2x माइनस में 3, क्योंकि दोनों ये समान ही है ना। यानी ऑप्शन नंबर जो है इसमें कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर जो ए है, ए भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका मैच कर रहा है, जो कि आपका डी आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आंसर देने में कभी भी जल्दीबाजी ना करें, आंसर को एक बार चेक कर लें। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला है, 16:8 समानुपात 64:x, तो x का मान क्या होगा? अब देख लीजिए यहाँ पर 16:8 है, समानुपात में 64 है, समानुपात में x है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को आपस में गुना करते हैं, दोनों बीच वाला गुना करते हैं, दोनों लास्ट वाला गुना करते हैं, तो 16 और x गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 16x बराबर में 8 × 64 करना पड़ेगा, 8 × 64 करना पड़ेगा। अब काटो 16 × 64 4, x बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 32, यानी 32 जो है आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन में है, एक आयताकार मैदान की परिधि ज्ञात करो।
आयताकार मैदान के परिधि कह रहा है। देखो हम लोग क्या वृत्त की परिधि निकालते हैं ना, लेकिन यहाँ आयताकार मैदान की परिधि दिया गया है। परिधि मतलब कि परिमाप के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बाद बात कर रहा हूँ, परिमाप के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आयताकार मैदान के परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जिसकी एक भुजा कितना है 40 मीटर है और दूसरी भुजा कितना है 10 मीटर है। तो याद कर लीजिए आयत का परिमाप या परिमिति की बात कर रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। यानी देखो 2 में लंबाई कितना, एक भुजा दिया 40 दिया है, दूसरी भुजा दिया है 10 दिया है, यानी कि 2 में कितना हो जाएगा 40 और 10 50 हो जाएगा ना। गुणा कर लो यहाँ पर 100 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मेंसुरेशन में यानी कि क्षेत्रफल में या फिर क्षेत्रमिति में जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, फॉर्मूले आपको याद कर लो। उसके लिए मैंने आपके वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हो, मैथ के क्यूज में देख सकते हो मैंने फॉर्मूला बना दिया है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/4 भाग उसी संख्या के 1/3 भाग से 12 कम है तो संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए माना संख्या बराबर में x। अब क्या कह रहा है, संख्या का 1/4 भाग ना, 1/4, और देखियो और यहाँ क्या कर रहा है, फिर कह रहा है उसी संख्या का 1/3 भाग ना, x का 1/3। अब इससे जो है कितना कम है, इससे कितना कम है, ये जो कितना कम है तो 12 कम है। 12 कौन कम है, ये कम है 12 ना। गौर करो क्वेश्चन पर, गौर करो, इतना भाग जो है इस संख्या का इतना भाग से कम, ये कम तो ये है, कम ये है, तो इसमें आप प्लस कर देंगे, आप जो कम रहेगा उसी को प्लस करेंगे। अब देखो क्या करो, ये हो जाएगा 4 + 12 = 3। अब इसको क्या इस तरफ मैं कर देता हूँ, 12 एक तरफ बच जाएगा, यानी ये तो ये प्लस में है ना, इस तरफ लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा ये, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 3 - x/4 = 12। अब देखो दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x - 3x बराबर में कितना हो जाएगा 12/1। अब तो घटा कितना हो जाएगा, ये 12 यानी कि घटा x हो जाएगा, x/12 12/1। अब दोनों गुना कर दो, यहाँ दोनों गुना कर दोगे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 12/144, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे है, 6200 रुपये की मूल राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो याद करिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज फॉर्मूला होता है मूलधन गुना में समय गुना में दर बटा में 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू में टाइम इंटू में रेट अपॉन में 100। अधिक मूलधन कितना दिया है, 6200 दिया है ना, 6200 गुना में समय दिया है 3 वर्ष और दर दिया है 8/100 कर लो, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, आप गुना कर लो 8 * 3 = 24 गुना करो 62400 से गुना करोगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक गुना करके चेक कर लीजिए, 24 दुना में 48 हाथ में 4 हो जाएगा, 24 * 5 = 24 144 144 और 4 48, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी जो है बिल्कुल यहां पर करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, 64 का घनमूल क्या होगा, 64 का घनमूल यानी कि ऐसे करने घनमूल, यानी देखो 4 * 4 * 4 4 * 16 = 64 ऐसे कर दो और यहां पर 3 बाहर निकाल दो, यहां पर एक में से तीन में से यहां 3 है ना, यहां पर 3 में से मुझे एक बाहर करना पड़ेगा, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये घनमूल होता है, ठीक है। आगे आता हूँ, आगे है, एक व्यक्ति एक रेफ्रिजरेटर को 4100 रुपये में बेचता है और 300 रुपये की हानि उठाता है, रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य क्या है। अब देखिए लागत मूल्य पूछ रहा है, यानी कि मुझे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य मुझे पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस में हानि, क्या होता है हानि। देखो जब हानि होगा तो क्या करेंगे, प्लस हानि करेंगे, लाभ होता है तो विक्रय मूल्य माइनस में लाभ करते हैं। यहाँ हानि हो रहा था, विक्रय मूल्य यहाँ कितना था 4100 था और हानि था 300 रुपया, हानि था यानी कि 4400 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा लागत मूल्य जो कि क्रय मूल्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका है। आगे बढ़ता हूँ, वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से गुना करने पर उसमें 196 बढ़ जाता है। अब देखिए मान लीजिए माना की संख्या बराबर में कितना हो रहा है, x हो रहा है। अब क्या कर रहा है, x में 15 से गुना करने पर क्या होता है, संख्या में x में कितना बढ़ जाता है, 196 बढ़ जाता है। गौर कर लीजिए, संख्या में जब गुना करते हैं 15 से तो संख्या से 100 इतना बढ़ जाता है ना। देखिए संख्या में गुना कर दिया मैंने तो संख्या से कितना बढ़ गया, x प्लस में 196 बढ़ गया, x जो संख्या था उसमें 96 बढ़ गया, तो मैंने जोड़ दिया मैंने इस चीज़ को। अब ऐसे ही करोगे आप भी, क्या हो जाएगा 15x बराबर में x प्लस में 196, यानी कि इसको इस तरफ करना पड़ेगा इसको, तो कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा ना, क्योंकि इस तरफ माइनस में आ जाएगा ना, 14x हो जाएगा, 196 यहाँ हो जाएगा,
चौदह चौका 196, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 14, यानी एक्स क्या माना था हमने, संख्या माना था, तो संख्या कितना है 14 है, ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, एक काम को 26 आदमी 17 दिनों में पूरा करता है, 13 दिनों में काम पूरा करने के लिए और कितने आदमी की जरूरत होगा, कितने लोगों की जरूरत होगा, अब याद कर लीजिए, देखिए 17 दिनों में कितना 26 आदमी लगता है, याद कर लीजिए 17 दिनों में कितने आदमी 26 आदमी, और एक दिन में काम करना चाहेगा तब क्या होगा, एक दिन में काम करना चाहेगा तो 26 गुना में 17 आदमी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आदमी जब दिन कम होगा तो आदमी मुझे बढ़ाना पड़ेगा ना, बढ़ाने के लिए गुना करेंगे यहाँ पर, अब कितना आदमी कितना दिन में काम खत्म करता है 13 दिन में, तो 13 दिनों में कितना चाहिए आदमी, यानी 26 गुना में 17 बट्टा में 13 करना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी था इतना लगा, गुना करना पड़ा, जब आदमी बढ़ जाएगा तो मुझे कम करना पड़ेगा, तो मुझे भाग करेंगे 17 दुना 13 दुना में 26 17 दुना में 34, यानी अब कितने आदमी की जरूरत होगा, यानी कि 34 आदमी की जरूरत होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा था और कितने आदमी चाहिए, देखियो यानी कि और कितने लोग चाहिए, पहले कितने लोग थे 26 लोग थे ना, यहाँ पर पहले 26 लोग थे, अब कितने लोग हो गए, कितने लोग चाहिए आपको 34 लोग चाहिए ना, अब चाहिए 34 लोग चाहिए, यानी कितना बढ़ गया 34 में से आप 26 घटा दो, घटा कितना हो रहा है, तो ये घटा हो रहा है आपका 10, घटा कितना हो रहा है 10, यानी 10 नहीं 8 हो रहा है, घटा कितना हो रहा है 8, 8 भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, देखो मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर 34 यहाँ पर था, कितना था 34 था, यानी कि 8 हो रहा है, घटा कितना हो रहा है 8 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है, आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया 8, इसको बना लो ठीक है 8 बना लो, यानी कि और कितने लोगों की जरूरत होगी, तो 8 लोगों की जरूरत होगी, याद कर लो क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, क्वेश्चन गलत नहीं है, बस ऑप्शन आपका गलत था आपका, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो कि 8 में है ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, क्या है, अगर यदि क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये क्या है, तर्क शक्ति का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये ठीक है, अब याद करिए, देखिए याद करिए नहीं, इसको क्वेश्चन गौर करिए, क्या कह रहा है, यदि इसको इंडिया को ऐसे लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, अब याद करिए, देखिए अब इंडिया से कैसे बना है ये, INDIA, इंडिया से कैसे बना है, देखिए तो बना है AIDNI, ध्यान देखो, अब गौर करने पर मैंने देखा है क्या, देखो INDIA यहाँ से है, इस तरफ से है यहाँ पर है, लेकिन उसको उल्टा कर दिया गया, क्या कर दिया गया, INDIA उल्टा कर दिया गया ना, तो आप इसको भी उल्टा कर दो, आप क्या कर दोगे, आप देखो टी से स्टार्ट करोगे, TARAHB हो जाएगा, TARAHB, देखो TARAHB, देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। आगे है, इसको ऐसे लिखा गया, एक सीरीज में लिखा गया है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा लेटर, अब देखो अल्फ़ाबेट, पहले देखो BM से GM कैसे बना, देखो पहले B से G कैसे बना, फिर S से M कैसे बना, और ये कम्बिनेशन मैच कर रहा है तो यहाँ भी वही देंगे, यहाँ पर देखो B से G कैसे बना, देखो B के बाद क्या होता है CDEFG, यानी बीच में कितना 4 लेटर गैप हो गया यहाँ पर, देखो अब S से M कैसे बना, S से M कैसे बना, H के बाद क्या होता है IJKLM, देखो 4 यहाँ भी गैप हो गया, देखो दोनों में 4 गैप हो गया ना, आप इसको भी यहाँ आप गैप करो, यहाँ पर जी से कैसे बनेगा, देखो जी यहाँ पर आ जाएगा, जी के बाद HIJJKL, यानी यहाँ पर हो जाएगा L, तो L से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन एक ही है, बी में है, अब R भी कंफर्म कर लेंगे, यहाँ पर R आएगा कि नहीं आएगा, तो M के बाद कितना हो जाएगा, M के बाद NOPQ के बाद R, 4 नंबर छोड़ के R आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे है, यदि श्रृंखला 9, 6, 7, 4, 8, 3 को आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखा जाए, तो श्रृंखला में कौन सा अंक जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, देखो अभी क्या है 9, 6, 7, 4, 8, 3 है, अगर इस सभी नंबर को क्या करेंगे बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो कौन सा होगा इसमें से अंक जो होगा वो नहीं चेंज होगा, यानी स्थान बराबर रहेगा, देखो स्टार्ट करो, बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटा करना लिखना पड़ेगा मुझे, यानी कि पहले मुझे 3 यहाँ करना पड़ेगा, 3 के बाद 4 यहाँ करना पड़ेगा, फिर 6, 7, 8, 9 करना पड़ेगा, अब देखो कौन सा स्थान नहीं बदला, 8 वहीं था तो वहीं रह गया, बाद बाकी सभी बदल गया, केवल एक ही स्थान नहीं बदला, कौन किसका, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 8 ही आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, यदि कोई अपने प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है तत्पश्चात बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, देखिए अब यहाँ पर है क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट का, दिशा का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, अब गौर कर लिए, देखिए मैं पहले मान लेता हूँ क्या है, उत्तर है आपका, दक्षिण ये है, पूरब ये है और पश्चिम ये है, यहाँ पर वैसे डायरेक्शन का कोई काम नहीं आएगा, बस दाएं बाएं का काम आएगा, यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ से चलना शुरू किया है, अब क्या कर रहा है, वह 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है,
पूरा तो इस ओर है ना, 5 किलोमीटर मैंने मान लिया, 5 किलोमीटर पूरा उधर चला, पूरा चला, अब क्या अगर बाएं मुड़ गया या इस ओर चल रहा है अभी, उसका फेस इस तरफ है ना, इस तरफ फेस है इसका है, तो बाएं तो इस तरफ होगा ना, तो बाएं कितना मुड़ा है, 12 किलोमीटर ना, तो 12 किलोमीटर यहाँ यहाँ ऐसे मुड़ा, यहाँ यहाँ तक आ गया, 12 किलोमीटर ये हो गया, 5 ये हो गया। अब बोल रहा है कितनी दूरी पर है प्रारंभिक बिंदु से, यानी ये दूरी और ये दूरी मुझे पूछ रहा है, ये दूरी ऐसे निकालना पड़ेगा ना, तो क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज का ये क्या बन गया, कर्ण बन गया ना। कर्ण का फॉर्मूला में क्या होता है, कर्ण का जब निकालते हैं यानी इसकी दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर में क्या करना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। देखो 12 बार 144 प्लस में 125 ही हो जाएगा, यानी दोनों जोड़ेंगे तो रूट अंडर में 169 आ जाएगा, जो कि 13 का होता है, स्क्वायर रूट इसका होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। आगे है, स्टॉप को ऐसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, पेंस को ऐसे लिखा जाता है, तो पियोन को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए स्टॉप, यानी इस क्वेश्चन को अगर ऐसे हमेशा के लिए ऐसे बनता है, याद कर लो कि स्टॉप एस का कोड क्या है, 4 है, टी का कोड क्या है, 6 है, ओ का कोड 3 है और पी का कोड 2 है। अगर दो बार ऐसे दिया हो तो समझ लेना क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अब देखो ये कन्फर्म करने के लिए, देखो यानी पी का कोड क्या दिया है, लास्ट में 2 दिया है, देखो P का कोड भी यहाँ पर 2 होना चाहिए, देखो यहाँ भी 2 दिया गया है, यानी पहले वर्ड है ये, पहला नंबर है ये, ठीक, कंफर्म हो गया ना। अब याद कर लो P E O N को कैसे बनाएंगे हम लोग, P का क्या कोड 2 दिया गया है तो 2 यहाँ कर देंगे। अब E का कोड क्या दिया है, 5 दिया है तो 5 कर लेंगे। O का यहाँ है यानी तीसरा वर्ड में है, तीसरा वर्ड में 3 दिया गया, 3 कर लेंगे। और N इसमें है जो कि तीसरा है, तीसरा है 7 है, 7 कर लेंगे। यानी 2 5 3 7 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दिया है गया सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आज मैंने करा है 50 क्वेश्चन करा है आपके लिए, और क्लास कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। और साथ साथ में अगर आर्मी के एग्जाम के लिए कोई वीडियो लेना चाहते हैं, अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए लेना चाहते हैं, क्लर्क का वीडियो कोर्स है, आप अगर फ्रेंड कोई साथी अगर है तो आर्मी क्लर्क इंग्लिश का कोर्स जो है ये वीडियो कोर्स है, क्लर्क इंग्लिश का कोर्स चल रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आर्मी जीडी के लिए मैथ का कोर्स चल रहा है, और टेक्निकल के लिए मैथ का कोर्स चल रहा है, और इंग्लिश चल रहा है आर्मी क्लर्क के लिए, तो कोई सा भी कोर्स ज्वाइन। जय हिंद साथियों, कहा जाता है मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो हौसला आप लोग बनाए रखें, और हौसला ही है जो आपको इस एग्जाम को पार करवाएगा। अभी जो टाइम मिला है उस टाइम को यूज करिए और इस पेपर को क्लियर करिए, अपने आप को चेक करें कि इस पेपर में कितना आप कर पाते हो। समझ लीजिए कि आप एग्जाम में हूबहू ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग कितना कर पाओगे लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग इस चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी जरूर कर देना। इस पेपर में देखेंगे हम लोग जनरल नॉलेज देखेंगे, जनरल साइंस देखेंगे, मैथ देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे, यानी कि कंप्लीट 50 क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे, और आंसर आप लोग चेक कर पाएंगे कि 50 क्वेश्चन में कितना कर पाते हो आप लोग। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है तंगभद्रा, यानी कि तुंगभद्रा भी आप सुनने को मिलता है आपको। दूसरा है कावेरी, गोदावरी और कृष्णा, यानी कि 4 नदी में से कौन सा नदी है जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है गोदावरी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 मार्च, 11 मार्च, 22 मार्च और 30 मार्च। तो आपका आंसर चेक कर लीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है 22 मार्च। आगे है शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन है सलीम, खुसरू, खुर्रम और मुराद। तो याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अपना आंसर चेक कर लीजिए कि शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है, कुचिपुड़ी जो ये डांस है ये कौन से स्टेट से, कौन से राज्य से संबंधित है। ऑप्शन जो है आपके सामने में केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। तो आपका आंसर इसमें से है ऑप्शन नंबर सी है, आंसर चेक कर दे रहे हैं क्योंकि लास्ट में बताना पड़ेगा कि आपको इसमें से कितने बनाए हैं, आपने कितना इसमें से करे हो।
ठीक है आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए इटली की राजधानी क्या है तो रोम है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है विस्टुला, एवान, राइन और टाइबर। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये नदी है टाइबर, एंड टाइबर नदी के किनारे स्थित है कौन सा? रोम। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको तो पता होना ही चाहिए क्योंकि आप आर्मी सेना में जा रहे हो। तो ऑप्शन जो है वीर चक्र, महावीर चक्र, भारत रत्न और परमवीर चक्र। तो आपका आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर डी है जो की है परमवीर चक्र। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है शांति वन किस प्रधानमंत्री की समाधि है? यानी शांति वन जो है कौन से प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है? ऑप्शन है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जो कि है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? तो ये है शांति भवन, शांति वन में। ठीक है आगे है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर की संख्या थी? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकरों की संख्या थी? टोटल इसमें कितने तीर्थकर हुए? ऑप्शन है 25, 24, 10 और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जो की है 24। ठीक है आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है झारिया की खाने किस राज्य में स्थित है? झारिया की खाने किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। तो देखिए इसका आंसर चेक कर लीजिए। झारिया की खाने जो है ये है झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर है। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में पद्मा नाम से किस नदी को जानी जाती है? यानी जो कि भारत का नदी है लेकिन वो बांग्लादेश में उसका नाम है पद्मा नाम है। ये कौन सी नदी है? ऑप्शन है यमुना, गंगा, तिस्ता और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो है इसमें मैच करिए अंदर आंसर से। इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जो कि है गंगा। यानी गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है आगे है आराम हराम है ये शब्द किसने कहे? यानी कि आराम हराम है का नारा किसने दिया? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे। तो इसमें से आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है जो कि है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है आगे है भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, कानपुर, लखनऊ और चेन्नई। तो आपका आंसर इसमें से है ऑप्शन नंबर ए जो कि है कोलकाता। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ आप लोग इसका आंसर करके देखो क्योंकि जीके में क्या होता है जब भी क्वेश्चन देखते हो आपको आंसर एक बार पता हो जाता है जब आपको याद होता है। तो देखिए जो क्वेश्चन पता नहीं है आप नोट जरूर बनाए और नोट को रिविजन जरूर करो। ठीक है चलो कोलकाता कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है? तो कोलकाता है। आगे बढ़ता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1580, 1606, 1620 और 1600। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जो की है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। ठीक है आगे है भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ पर है? ऑप्शन जो है कोलकाता, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम। कहाँ पर है भारत का जो सबसे बड़ा शिपयार्ड है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए आपका आंसर इसमें से है ऑप्शन नंबर बी है जो कि है कोच्चि। एक बार रुक जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है ये है बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ग्रामोफोन, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन जो है कुंड ने, ग्राहम बेल ने, क्विंक ने, क्विंक ने या फिर एडिशन ने। तो ग्राहम फोन का आविष्कार जो किए थे ये किए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर है
क्या है? एडिशन में, एडिशन में आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर है। आगे बढ़ता हूं, अगला जो क्वेश्चन है, अगला है लघु दृष्टि के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी जिस व्यक्ति को लघु दृष्टि दोष हो जाता है उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसे कौन सा लेंस यूज करके उसका ये लघु दृष्टि दोष दूर किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका आंसर? देखिए आपका आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे है ध्वनि निम्न में से सबसे तेज कहाँ होती है, ध्वनि जो है जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे तेज कहाँ चलती है। ऑप्शन है वायु, इस्पात, निर्वात और पानी। देख लीजिए तो ध्वनि जो है सबसे तेज जो चलता है ये चलता है इस्पात के में, इस्पात में कहाँ चलता है, इस्पात में चलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं, आगे है न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसमें प्रयोग होता है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम किसमें प्रयोग होता है। ऑप्शन है तीरंदाजी, अंतरिक्ष यान, आंतरिक कंबस्टन इंजन या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका आंसर? इन्हें देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो कि न्यूटन की तीसरी, न्यूटन की तीसरी गति का नियम जो है तीरंदाजी में लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं, आगे है हाइड्रोजन बम में कौन सी क्रिया होती है, हाइड्रोजन बम में कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर रिएक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर चेक कर लीजिए इसमें से कि हाइड्रोजन बम में ऑप्शन नंबर बी जो है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। किस पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर काम करता है आपका हाइड्रोजन बम। ठीक है, आगे चेक करिए, अगला क्वेश्चन है यदि आप एक पहाड़ पर जाते हैं, यदि आप एक पहाड़ पर जाते हैं यानी कि हम एक पहाड़ पर जाते हैं तो मरकरी बैरोमीटर में उपस्थित पारे का तल क्या होगा, यानी उसमें मरकरी जो होगा बैरोमीटर में क्या ऊपर जाएगा घटेगा या बढ़ता है या नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्या हो जाएगा घट जाएगा, घट जाता है। ठीक है, क्या होता है मरकरी बैरोमीटर के उपस्थित पारे का तल क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे आते हूं, अगला क्वेश्चन है प्रेरित धारा की दिशा जिस नियम से मालूम होती होगी वह कौन सा नियम होता है, यानी कि प्रेरित धारा की दिशा जो है जिस नियम से मालूम होता है वह कौन सी धारा है, कौन सा नियम है। ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बायोट एवं सावर्ट का नियम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा देखिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा मालूम होता है। ठीक है, आगे है प्रकाश कांच में वायु के अपेक्षा धीमी चलता है, प्रकाश जो होता है वो कांच में वायु के अपेक्षा धीमी चलता है, चलती है, उसका कारण क्या है, वायु का अपवर्तनांक कांच की तुलना में कम होता है या वायु का अपवर्तनांक कांच की तुलना में अधिक होता है, कांच का घनत्व वायु की तुलना में अधिक होता है या फिर कांच का घनत्व वायु की तुलना में कम होता है। क्या होगा आपका आंसर यहाँ पर, देखिये आपका आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा वायु का अपवर्तनांक कांच की तुलना में कम होता है, याद कर लीजिए पता नहीं है तो। ठीक है, चलो आगे है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चेक करेंगे आप लोग इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु उष्मा व विद्युत दोनों का सुचालक है। देखिए उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। ऑप्शन जो पहला आपका हीरा, चांदी, नमक और बर्फ। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो की है चांदी। ठीक है, आगे है जब कोई छड़ चुंबक को दो समान भागों में बांटा जाता है, जब कोई छड़ चुंबक को दो समान भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग की ध्रुव शक्ति में क्या होता है, प्रत्येक भाग के ध्रुव शक्ति में क्या होता है, क्या उसका दोगुना हो जाता है या आधी हो जाता है या शून्य हो जाता है, एक समान रहता है। तो आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी है, जो की है एक समान रहती है। बहुत जगह आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा आधी हो जाती है, तो आधा नहीं करना है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो किया जाएगा एक समान। क्वेश्चन में आपको डॉट नहीं करना है, ऑप्शन नंबर डी जो है एक समान रहती है, आपका आंसर हो जाएगा। आगे है चमगादड़ द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि, चमगादड़ द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि कैसा होता है, क्या सर्व ध्वनि होता है, अपश्रव्य श्रव्य होता है या फिर यहाँ है उपश्रव्य है और यहाँ अपश्रव्य है और यहाँ है पराश्रव्य। तो देखिये चमगादड़ द्वारा जो ध्वनि जो उत्पन्न की जाती है ये कौन से क्या जाता है, तो पराश्रव्य क्या जाता है, जो की अल्ट्रासोनिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है।
आगे बढ़ता हूँ। अगला है, एक व्यक्ति दूरदर्शी को सूक्ष्मदर्शी से अलग कैसे पहचान सकता है? दूरदर्शी को सूक्ष्मदर्शी से अलग कैसे पहचान सकता है? उसके लंबाई से, रंग से, लंबाई और लेंस के आकार से, या लेंस के आकार से? देखिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो कि लेंस के आकार से पहचान सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट उपकरणों और उपकरण द्रवों में प्रयोग किए जाते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट में द्रवों का प्रयोग किया जाता है क्या प्रसारित करने के लिए, क्या ट्रांसमिटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या बल को, क्या वेग को, या दबाव को, या शक्ति को? तो याद कर लीजिए इसका आंसर, चेक कर लीजिए इसका आंसर। इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है दबाव को प्रसारित करने के लिए उसमें द्रव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर यहां बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है, लेकिन वह क्या होता है? ऑप्शन है यहाँ पर, वृद्धि के रूप में ऊपर जाता है, यानी कि ऊपर जब जाएंगे इसमें क्या होगा, तो त्वरण बढ़ जाएगा, या फिर ऊपर या नीचे जाने पर घट जाता है, या पृथ्वी के रूप में नीचे जाता है, माफ कीजिए, वृद्धि के रूप में नीचे जाता है, यानी कि जब नीचे जाएंगे तो उसका क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, उसके कारण वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर चेक कर लीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऊपर और नीचे जाने पर क्या होता है, उसका गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 6 किलो है। अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान, कोई वस्तु का भार जो है अगर पृथ्वी पर 6 किलो है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो देखिए, तो जितना आप भार दे रहे पृथ्वी पर उसमें 6 से भार लगा दीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि लगभग 1 किलोग्राम हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे देखिए, वर्षा की बूंद गोल किस कारण होती है? वर्षा की बूंद जो होता है गोल होता है, कौन से कारण के द्वारा होता है? क्या पृष्ठ तनाव के कारण होता है, या श्यानता कारण होता है, या विस्कसता कारण होता है? इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होता है, बूंद जो होता है उसका, वर्षा का बूंद जो होता है गोल हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलो, अगला आंसर चेक कर लीजिए आप लोग। अगला आंसर क्या है? देखिए, क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है जो दिया गया है, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन करें। देखिए, आपके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बस आपको आंसर करना है, आपको आंसर चेक करना है आपको। ठीक है, कम समय में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा मुख की जांच के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला है, अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या उत्तल दर्पण हजामत बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कौन सा आपका आंसर सही है यहाँ पर? देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, जो कि कहा जा रहा है अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट में के समय परिपथ में धारा, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा क्या होता है? लगातार बदलता रहता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या बहुत तेज बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आपका आंसर? देखिए, आपका आंसर जो होगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बहुत तेज बढ़ती है, यानी कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तब क्या होता है, परिपथ की धारा क्या होता है, बहुत तेज बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे जो है, लाल प्रकाश खतरे के संकेत के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है, यानी खतरे के लिए जो लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है? ऑप्शन जो है आपका पहला, जो यह वायु में शुष्क हो जाती है, इसका प्रकीर्णन कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, या फिर रासायनिक प्रभाव कम हो जाता है, आपका आंसर यहाँ पर क्या है? देखिये, आपका आंसर यहाँ पर है, इसका प्रकीर्णन कम होता है। क्या होता है? इसका प्रकीर्णन जो होता है कम होता है, इसलिए लाल प्रकाश जो होता है खतरे के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, किलोहर्ट्ज़ मात्रक किसे मापने में प्रयोग किया जाता है? किलोहर्ट्ज़ मात्रक जो होता है, किलोहर्ट्ज़, वो किस में प्रयोग किया जाता है? विद्युत प्रतिरोध में, या विद्युत चुंबकीय रेडियो की तरंग आवृत्ति में, या वोल्टेज में, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, तो आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है विद्युत चुंबकीय रेडियो और रेडियो की तरंग आवृत्ति मापने के लिए किलोहर्ट्ज़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है,
मैथ का क्वेश्चन है, क्या जा रहा है कि कोई रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए गौर करिए, यानी कि देखिए यहाँ पर एक गाड़ी का चाल दिया गया है, रेलगाड़ी का चाल दिया गया है, एक व्यक्ति को पार कर रहा है। देखिए याद करिए कि जब एक व्यक्ति को पार करता है तो ट्रेन बस अपनी लंबाई की दूरी तय करता है, लेकिन अगर मान लिया जाए कोई प्लेटफॉर्म की दूरी पार करेगा तो अपनी दूरी भी, अपनी लंबाई भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कुल दूरी हो जाएगा। कुल दूरी क्या होगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई और अपनी लंबाई क्या होगा? कुल दूरी हो जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति को पार करेगा तो बस अपनी दूरी तय करेगा। यानी कि देखो आप पूछ रहे लंबाई पूछ रहा है, यानी कि लंबाई यानी कि दूरी पूछ रहा है, तो दूरी के लिए फॉर्मूला क्या है? चाल गुना में समय, चाल गुना में समय यानी कि स्पीड इंटू में टाइम। यानी देखो अब स्पीड कितना दिया है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन टाइम किसमें दिया है? 10 सेकंड में दिया है ना। तो आप क्या कर लो, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तब चाल क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा से ये हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चाल तो हो गया, अब गुना में कितना है? समय है ना, समय है 10 सेकंड, 10 से गुना कर दो उसको, अब कितना हो जाएगा? 18 गुना में 36, 5 गुना में 10, 10 के 100, यानी कि 100 मीटर क्या हो जाएगा? उस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फॉर्मूले जितने भी आते हैं मैथ में, फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। आपको आगे आता हूं, आगे क्या कह रहा है कि इसे हल करने के लिए कह रहा है, सॉल्व करने के लिए कह रहा है। देखो इसको बनाने के लिए आप एक तरीका सीख लो कि BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास जो है इसका फॉर्मूला है, जैसे हम सबसे पहले ब्रैकेट काम करेंगे, ब्रैकेट नहीं रहे तो ऑफ काम करेंगे, एक तरह से गुना ही होता है ये, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ फिर लास्ट में घटाव करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या आ रहा है? पहले भाग आ रहा है ना, यानी पहले भाग करेंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 12 × 72, यानी कि 16 प्लस में 19 गुना में 72 भागा में 12 था ना, तो इन दोनों को भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना, यानी 6 यानी गुना में 19 बचा है यहाँ पर, प्लस में 16 बचा है यहाँ पर, यानी कि इन दोनों गुना करना पड़ेगा मुझे, तब मुझे जोड़ करना पड़ेगा मुझे। देखो 19 × 114 16 गुना में 16 प्लस में 114, यानी दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, 130 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में लिया गया है ये, ठीक है। तो यानी कि बोर्ड मास का रूल्स में फॉलो करना है आपको। आगे है 9.9225 का वर्गमूल कितना होगा? देखो 9.9225 है, यानी देखो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? दाएं तरफ से जोड़ा लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब देखो 3 × 3 में 9 हो जाएगा, ये 3 × 3 जो 6 जाएगा, कट जाएगा, पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट आप यहाँ कर दो, फिर 9 × 2 लगाओ, फिर अब 9 × 2 लगाओगे यहाँ 1 लगाना पड़ेगा मुझे, तब मुझे 1 से गुना भी करना पड़ेगा इसमें, तो 1 मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा ये, यानी घटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2.5 बच रहा है ना, 2.5 को मुझे 67 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जोड़ा लगाया गया यहाँ पर है। अब 1 × 1 = 2 यानी कि हो जाएगा 62। अब देखो यहाँ पर 5 रखोगे, यहाँ 5 रखोगे, यहाँ 5 रखो तो कितना हो जाएगा? 5×5 = 25, यानी 3125 हो रहा है, यानी कि कट रहा है पूरा यहाँ से, यानी कि 3.15 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 का मिश्रधन 3 वर्ष में 2315.25 हो जाएगा? कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से? अब देखिए ब्याज की दर पूछ रहा है यहाँ पर ना, देखिए यहाँ पर दिया चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? A = P × 1 + R/100/1 यहाँ पर एन हो जाएगा, टाइम यहाँ हो जाएगा। ये क्या मूलधन? ये है, ये आपको मूलधन, ये है रेट है, और ये टाइम यहाँ पर है। अब देखो मूलधन मुझे कितना दिया है, मुझे मूलधन पहले कितना दिया है, तो 2315.25 बराबर मूलधन दिया है 2000, और 1 प्लस में आर तो मुझे दिया नहीं है, ठीक है, ऊपर में एन दिया है, एन कितना दिया? 3 वर्ष दिया है ना, 3 यहाँ कर दो, इतना कर दो। अब इतना करने के बाद इसमें सॉल्व करना है आपको, अब सॉल्व करने के बाद जितना आ जाएगा वही हो जाएगा आपका आर निकल जाएगा, क्यों आर तो यहाँ बचा हुआ है ना। देखो तो ऐसा कर लो, इसको कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि इसको मैं इस तरफ करता हूँ, ठीक है, यानी कि 1 + R/100 के पावर में कितना है? 3 है, बराबर में कितना? इसको इस तरफ मैंने कर दिया, अब यानी कि 2315.25/2000 यहाँ पढ़ रहा होगा, कितना आ जाएगा? 2 और आ जाएगा, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा? 1/1 + R/100 पार में कितना है? 3 है, बराबर में अब से काटोगे ना, यहाँ काटने पर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 9261/100 8000, क्योंकि देखो यहाँ काटोगे ना, यहाँ पर पैसे काटने पर, पैसे काटने पर इतना हो जाता है। अब यहाँ देख लो कि अब बराबर में कितना, इसको देखो यहाँ क्यूब है ना,
सकते हैं। यहाँ क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये 21 का क्यूब करोगे आप तो इतना आ जाएगा, और यहाँ पर 20 का क्यूब करोगे तो इतना आ जाएगा, बाहर में 3 है, पार में 3 है, 3 कट जाएगा। अब देखो कितना बचाएगा यहाँ पर, देखो थोड़ा क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का थोड़ा क्वेश्चन का लेंथी होता है, थोड़ा सा 1 प्लस आर बटा में 100 बराबर में 21 बटा में 20। अब देखो यहाँ आर का मान निकाल लेना, यहाँ पर आर का मान निकाल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5% आ जाएगा, वही हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ चेक कर लेना, ठीक है। आप आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 25% हानि पर के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाता है तो 60 रुपए अधिक प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इसको समझाने के लिए कैसे यूज करो आप, देखो ऐसे यूज करो आप, तो पहले कितना, पहले 25% हानि होता था, यानी मान लेता हूँ पहले 100% क्या है उसका क्रय मूल्य है, क्या है 100% क्रय मूल्य है, यानी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, 100% मैंने मान लिया क्या उसका क्रय मूल्य है, यानी पहले अगर हानि होता था 25% हानि होता था ना, यानी इसका बिक्री मूल्य पहले कितना था 75% था, देखिए 100% क्या था क्रय मूल्य था ना, अगर लॉस होता है तो कमी होता है ना उसके क्रय मूल्य में, तो इतना हानि था, पहले कितना था सेलिंग प्राइस 75% था, अब कितना लाभ ले रहा है वो 5% लाभ ले रहा है ना, यानी कि 100% जो उसका क्रय मूल्य है, यानी 105 क्या हो जाएगा उसका लाभ हो जाएगा, गौर करिए है ना, यानी कि अब देखो यहाँ पर अब क्या कर रहा है, 75 से कितना 105 पर बेच रहा है ना, 75 से 105 बेच रहा है, यानी पहले पहले का विक्रम कितना था लॉस था हानि परसेंट, 75 था यहाँ पर, और यहाँ पर अब कितना लाभ है 5%, यानी 100% में 5 जोड़ देंगे, यानी 105, अब कितना हो गया, अब दोनों में कितना अधिक ले रहा है, ये कितना परसेंट अधिक ले रहा है, यहाँ 75 में से 105 घटा दो, 105 में से 75 घटाओगे 30 आ जाएगा ना, यानी कि 30% किसके इक्वल था, तो 60 रुपए अधिक, यानी कितना परसेंट यहाँ पर अधिक है, यहाँ 30% अधिक है, और कितना रुपये अधिक है, तो 60 रुपये अधिक है ना, तो 30% बराबर कितना 60, तो 100% निकालना, क्रम निकालना आपको ना, तो 100% क्या मानते क्रम बनाते ना, 100% बराबर में वर्ड क्वेश्चन मार्क, जब ऐसे करने पर ऐसे कर लेना आप इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को बड़े गुना कर लेंगे, यानी कि 100 गुना में 60 कर लेंगे बटा में 30 कर लेंगे, 30 गुना में 60 यानी कि कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखो मैं समझाने के लिए इतना टाइम लिया है मैंने, लेकिन क्वेश्चन ये आपका 30 सेकंड से भी कम में बन जाएगा, समझाने के लिए लिया, अगर नहीं समझे हो तो इसको आप फिर से दोबारा देख लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 का गुना क्या है, इसे गुना करने में कितना आएगा, तो पहले क्या करो x से इसमें गुना कर लो, x पर इसमें गुना कर लो, तो कितना हो जाएगा, x गुना करोगे x प्लस में 2, अब माइनस 7 से फिर माइनस 7 से फिर इसमें गुना कर लो, फिर दोबारा ऐसे किया जाता है x प्लस में 2, अब देखो एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2x हो जाएगा गुणा करने पर, इन दोनों गुणा करने पर, अब देखो माइनस 7 से इसमें गुणा करोगे तो माइनस 7x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 14 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इन दोनों घटाना पड़ेगा मुझे, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा माइनस में 14, वो हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ, आगे है, घास के एक में एक खूंटे के में बंधी बकरी 10.5 मीटर दूरी तक चर सकती है, वह कितने क्षेत्रफल का घास चर सकती है, देखो देखो यहाँ पर एक क्षेत्रफल है यहाँ पर, अब इसका लंबाई कितना है, दूरी की दूरी कितनी है, बंधी के जो खूंटे जो बना गया है उसका लंबाई कितना है 10.5 है, यानी कि वो कितना त्रिज्या है ना, ये एक वृत्त की त्रिज्या, यानी चलेगा कैसे, यहाँ खूंटी बना हुआ है तो चलेगा, तो घूम चलेगा चारों तरफ चलेगा, ठीक है, यानी कि इसका लंबाई मुझे दिया गया 10.5, यानी त्रिज्या दिया है मुझे, अब मुझे पूछा इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, 5/7 गुना में आर स्क्वायर कितना है, आर है 10.5 गुना में 10.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट उड़ाओगे यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, अब यहाँ काट दो, यहाँ पर काट में कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 × 7 = 7, 7×5 = 15, अब यहाँ पर 5 से भी काट लो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 5 × 10 और यहाँ पर 2 से काटोगे 11 हो जाएगा यहाँ पर, और कट रहा है यहाँ पर, कट रहा है यहाँ पर, 105 भी कट रहा है, 5 से काटोगे यहाँ पर 5 × 10 5×21 हो जाएगा यहाँ 5×10, अब कट रहा है नहीं कट रहा है, अब इसको जो गुना करोगे ना, इसको गुना करने में कितना जाएगा चेक कर लेना आप, ऑप्शन नंबर जो इसका क्या हो जाएगा आपका, मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, मैं इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3115, यानी कि 200 गुना ही कर लेते हैं, उसका अंदाजा लगाना थोड़ा गलत हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर में कितना 11 बच रहा है, 11 ऊपर में फिर 3 बच रहा है, ठीक है, फिर एक क्या बच रहा है 21 बच रहा है बटा में 2 बच रहा है, 11 × 33 = 33 गुना में 21, ठीक है, अब 21 × 63 = 3 और 21 × 63 = 63 और 3 × 6 = 9 बटा में 2, यानी कि हो जाएगा 3 × 4 = 6, यानी ऑप्शन नंबर देखो आपका डी जो है आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। आगे बढ़ता हुआ अगला क्वेश्चन है, 3x + 10 = 25, तो x का मान कितना होगा? देखो 3x + 10 = 25 है, यानी 3x कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे ना, तो 25 - 10 करना पड़ेगा, यानी कि 15 हो जाएगा, यानी कि 3x = 15 हो गया ना। अब x का 3 से 3 = 15 कितना x लगाएंगे, 5 हो गया। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। आगे है, यदि 10 आदमी काम को 4 दिनों में करते हैं तो 8 आदमी उसी काम को कितने दिनों करेगा? देखो 10 आदमी काम करता था तो 4 दिन लगता था, अब एक आदमी काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, टाइम तो ज्यादा लगेगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 में 10 से गुना करना पड़ेगा। अब आदमी कितने हो गए, 8 आदमी हो गया, यानी एक आदमी से कितने बढ़ गए, 8 आदमी हो गया ना, यानी टाइम कम लगेगा, 4 गुना में 10 बटा में 8 करना पड़ेगा, मुझे भागा करना पड़ेगा, टाइम कम लगने पर भागा करते हैं, टाइम ज्यादा लगने पर गुना मैंने कर दिया यहाँ पर। अब कर दो 4 * 8 = 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका आंसर, यानी 5 दिन लगेंगे अगर 8 आदमी काम करेगा तो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आगे है श्रेणी का अगला पद क्या होगा। अब देखो यहाँ पर अगला पद क्या होगा, यहाँ फाइंड करना है आपको, यानी कि 35 से 44 बना, इनमें कितना ऐड हुआ, यहाँ देखो यहाँ पर हुआ 9 ऐड हुआ, अब 44 से 52 बना, यानी इसमें 8 ऐड हुआ, अब इससे कितना ऐड बना, यानी इसमें 7 ऐड करना पड़ा मुझे, इसमें कितना ऐड करना पड़ा मुझे, 6, यानी देखो इसमें 9 ऐड करके बनता है, 9 जोड़ के बनता है, इसमें 8 जोड़ के, इसमें 7 जोड़ के, इसमें 6 जोड़ के, इसमें आए क्या, तो 9, 8, 7, 6, तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी 65 + 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 70 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कंप्यूटर नहीं, ये आपका है रीजनिंग से क्वेश्चन है ये, क्या है, मोची का संबंध चमड़ा से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा, मोची का संबंध चमड़ा से है तो दर्जी का संबंध कपड़ा से होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, सुधीर अपने घर से पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी पर के पश्चात उसे बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो अंत में वह दाएं मुड़ता है, तो बताया हुआ किस दिशा में मुड़ता है। अब देखिए यहाँ पर एक याद कर लो कि ये है उत्तर, ऊपर की हमसे क्या होता है, हम तो मानते हैं उत्तर मानते हैं, तो नीचे में क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, यहाँ होता है पूरब, दाएं तरफ क्या होता है पूरब, और बाएं तरफ क्या होता है पश्चिम होता है, ठीक है। यानी कि अब पॉइंट एक बना लूंगा, अब पहले कहां चलता है, पहले पूरब को चलता है ना, तो पूरब इस ओर है, पूरब बने चला यहाँ पर, ठीक है। अब मेरा फेस कहां है, इस तरफ फेस मेरा है, इस तरफ मेरा फेस है, मेरा फेस इस तरफ रहेगा, अगर चेहरा में इस तरफ रहेगा तो बाएं तरफ मेरा ये रहेगा ना, तो अब क्या कर रहा है, अब बाएं मुड़ता है, अब यहां से बाएं मुड़ा, यानी यहां मुड़ा, अब मेरा फेस कहां, इस तरफ है, मेरा बाया ये हुआ, दाया ये हुआ, यानी कि अब देखो अब क्या, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने के बाद फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ा, इस तरफ बन मुड़ गया, यानी कि मेरा फेस किस इस तरफ है, तो मेरा दाया ये हो जाएगा, बाया ये बना ये हो जाएगा मेरा, फिर क्या कर रहा है, अंत में वो दाएं मुड़ता है, अंत में दाएं, यानी यहां से अब दाएं मुड़ गया, अब बोल रहा है क्या, किस दिशा में चल रहा है वो, किस दिशा में चल रहा है, यानी इस ओर चल रहा है, यानी ऊपर चल रहा है ना, तो ऊपर क्या होता है उत्तर, उत्तर जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बनाओगे सोचोगे तब, पॉइंट रख के, ठीक है, इस चीज को याद कर लेना आप, ठीक है, देख लेना आप। आगे है क्वेश्चन कि एजी अनुपात में बीजी, तो सी के अनुपात में क्या होगा, यानी इसका संबंध इससे है तो उसका संबंध किससे होगा। अब देखो ए से बी कैसे बना, ए के बाद बी आता है ना, तो ए के बाद बी तो आपका दिया गया है, और जी के बाद क्या आता है एच आई, यानी कि देखो जी एच आई, यानी यहां पर एक छोड़ के दिया गया यहां पर, तो अभी क्या कर लो, सी के बाद कोई डी आएगा तो डी बड़ा, देखो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, आपका आंसर ये होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं। अब देखो सी के बाद के बाद क्या देना है मुझे, जैसे जी के बाद छोड़ के एक छोड़ के अगला दिया गया यहाँ पर, तो के बाद एल आता है तो एल छोड़ के एम देंगे यहाँ पर, एम हो जाएगा, डी एम हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। आगे है कि 6, 8, 10, 14, 18, 26, 34 और 50, अगला पद क्या होगा, इसमें गौर करिए क्या है, 6, 8, 10, 14, 18, 26, 34, 50 यहाँ पर है, तो इसमें कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, इसमें 2 बढ़ा, इसमें 4 बढ़ा, इसमें 4 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा है, तो 8 बढ़ा है, यहां भी 8 बढ़ा है, यहां पर कितना 16 बढ़ा है, देखो 2, 2, 4, 4, 8, 8, तो 16 भी यहां पर मिलना चाहिए यहां पर है, यानी कि 50 + 16 करोगे तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर दिया गया है, सी में दिया गया ये, ठीक है, बस एक सीरीज में दिया गया है, ठीक है। आगे है क्या, अगला क्या है, जनवरी का संबंध नवंबर से है तो रविवार का संबंध किससे है। देखो यहाँ जनवरी है, जनवरी से पहले क्या आता है, दिसंबर आता है, दिसंबर से पहले नवंबर आता है ना, यानी पीछे को गया है ये,
पीछे हो गया है ना, ये दिसंबर छोड़ के एक पीछे लिया गया है, तो अभी क्या कर लो, संडे है, संडे में रविवार है, संडे पहले क्या आता है, सैटरडे आता है, ये छोड़ दोगे, उससे पहले क्या आता है, फ्राइडे आता है ना, यानी फ्राइडे हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, डी दिया गया है, ठीक है। इस वजह से मैंने 50 क्वेश्चन करा है, 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही बना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपका एग्जाम कब है आप मुझे ये भी कमेंट करना, ठीक है। चलो, और आप बाद में की मैथ और रीजनिंग के लिए अगर पेड क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आर्मी जो क्लर्क के लिए भी इंग्लिश क्लास चल रहा है, अगर फ्रेंड को साथी अगर हो तो आप उन्हें बता सकते हो, उनको नंबर दे सकते हो, बाद बाकी आप इस वेबसाइट पर जाकर खुद से भी आप चेक कर सकते हो सारे पेड कोर्सेज। तो आज मुझे इतना ध्यान दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद। जय हिंद साथियों, आज आपके सामने जो आज एग्जाम हुआ है 28 फरवरी को, ये जीडी का जो पेपर कैंसिल हो गया था उसका एग्जाम है, उसका मैं एनालिसिस आपको लेकर आया हूँ। और अभी जो आप एनालिसिस कर रहे हो, जिसका एग्जाम है वो तो अपना क्वेश्चन मैच कर ले, और जिनका भी एग्जाम आने वाला है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल दिया गया है, क्वेश्चन कहीं कहीं पूछा जा रहा है, तो आपको जो सिलेबस दिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा उसको सिलेबस कवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, पहले इसको एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद अभी समझ पाओगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और आप देखो कि इसमें से कितना कर पाते हो, और मुझे वीडियो के लास्ट में, क्लास के बाद में मुझे आप कमेंट करके भी बताना कि आप इस क्वेश्चन में से कितना आपने करा है, ठीक है। और साथ मेरे साथ आप क्वेश्चन पे बने रहे हैं, क्वेश्चन को देखें अभी आप, ठीक है। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेना। बाद में कि आर्मी से रिलेटेड मैं पेड कोर्स भी चलाता हूँ, तो आप पेड कोर्स लेने के लिए आप livepadhai.com पर भी आप आ सकते हो, ठीक है। अभी जीडी के लिए है मैथ क्लास स्टार्ट है, बाद में क्लर्क के लिए इंग्लिश है, कंप्यूटर का स्टार्ट हो गया है क्लास, बाद में कि अभी साइंस के भी क्लास स्टार्ट भी होने वाले हैं, तो अभी आप जो भी क्लास अगर लेना चाहते हो, जो मैथ क्लास या फिर आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश या फिर कंप्यूटर क्लास लेना चाहते हो, तो आप मेरे 8210718211 पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर दूसरा नंबर जो आपके पास है 9102195290 पर आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ आज का ये पहला क्वेश्चन। देखिए, आज जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका पहला क्वेश्चन था, ठीक है, भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई, भारत में चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ऑप्शन आपके पास है, पहला भास्कराचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। तो किसने, ये कौन थे इनमें से जो चारों मठों की स्थापना की थी, तो ये थे, इनका आंसर था ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर सी करके आए एग्जाम में, उनका आंसर पूरी तरह से सही है, ठीक है। और आप भी देख लें कि आप इसमें से कितना कर पाते हो, ठीक है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर मैंने इतना इसमें करा है, ठीक है। चलिए, अगला है, दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। देखिए, दिलवारा मंदिर जो है ये कहाँ पर है, तो ये माउंट आबू में है। कहाँ पर है ये, माउंट आबू में है। माउंट आबू यानी कि ये है राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। ये कौन से धर्म से संबंधित है, ऑप्शन आपके पास है, हिंदू और जैन, दोनों के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए या फिर हिंदू के लिए, किसके लिए है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है जैन मंदिर, जैन के लिए है, जैन जिनके लिए है, ठीक है। यानी कि दिलवारा मंदिर किसके लिए है, तो जैन के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अगला जो क्वेश्चन है ये है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसने रखी। देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना किसने की, नींव किसने रखी। पहला ऑप्शन है चित्रंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत लाल हरदयाल, ठीक है ना। यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसने रखा था। देखिए, तो आपके पास चार ऑप्शन में से है, चार ऑप्शन में से आपने कौन सा करा है इसको आप देख लीजिए। इसका आंसर वैसे मेरे तरफ से है गोपाल कृष्ण गोखले। जो 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 जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर बी करके आए हैं, उनका आंसर पूरी तरह से सही है, ठीक है। और ये स्थापना जो किए थे, नींव जो रखे थे, कब रखे थे, कौन से ईस्वी में रखे थे, ये रखे थे 1905 ईस्वी में रखे थे। किसके द्वारा रखा गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा रखा गया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मृदा अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, मृदा अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन है पेड़ों के कटने के कारण, तेज गति से होता शहरीकरण, या उपरोक्त सभी घटक ऑप्शन नंबर यहाँ आना चाहिए था, लेकिन एग्जाम में आपके पेपर ऐसे ही था, ठीक है। जानवरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में चरने के कारण।
देखियो तो यानी कि मृदा अपवर्तन का जो मुख्य कारण है ये चारों हैं, यानी तीनों हैं। ये पेड़ों का कटने कारण है, अत्यधिक तेज जो तेज गति से शहरीकरण हो रहा है वो भी है, और जानवर द्वारा जो घास चर लिए जाते हैं वो भी है, यानी कि तीनों, यानी ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त सभी। जो तो जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर सी करके आए हैं उनका आंसर पूरी तरह से सही है, और जिन बच्चों ने अभी आप कर रहे हो उनका भी आंसर अब सही है, ठीक है, जो सी करा है आपने, ठीक है। आप देखते रहें और नोट बनाते रहें, क्वेश्चन पता नहीं है तो। अगला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र को संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, यानी कि जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है उसको किस नाम से, किस नदी के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास है पद्मा, यमुना, मेघना और सांगपो, कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कौन सा है, पद्मा है, ठीक है। आगे है ऑप्शन है, क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है, यानी कि केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था जो है ये भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपके पास है पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, या खेल मंत्रालय। तो किस में आता है ये, ये आता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के अंडर आता है ये, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए माफ कीजिए, ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंदर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है ये, ठीक है। चलो ये है, टोडा जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, या मध्य प्रदेश में। देखिए टोडा जाति जो है कहाँ पाया जाता है, टोडा कास्ट कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि ऑप्शन जो है आपके पास है वो कौन सा है, क्या करीमगंज है, सिरसा है, या पुरुलिया है, या फिर अनंतनाग है, यानी इसमें से कौन सा जिला है भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो क्या है, करीमगंज है, कौन सा है, करीमगंज है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अगला है, जावडी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है, जावडी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में, केरल में, तमिलनाडु में, या फिर उत्तर प्रदेश में। देखिए जावडी पर्वतीय जो स्थल है ये है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है तमिलनाडु में स्थित है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है ये, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर सी करके आए हैं उनका आंसर पूरी तरह से सही है। आप मेरे साथ क्वेश्चन लगाते रहे, बाद में कि अगर मैथ में आप चाहते हैं कि मैथ में आपका 100% मार्क आ जाए तो हमारा आप मैथ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीडियो कोर्स में फॉर्मेट में है, डेली इसमें क्लास अपलोड होते रहते हैं, ठीक है। और इसका फ़ी भी अभी बहुत कम है, मार्च तक के लिए फ़ी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। क्लास ज्वाइन करने के लिए आपके पास ये नंबर है, ठीक है। बाद बाकी आप क्लास आप खुद से भी ज्वाइन कर सकते हो, इस पर livepadha.com पर जाकर खुद से क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बाद बाकी अगर आपके कोई फ्रेंड साथी अगर है जो आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, उनको इंग्लिश की क्लास की ज़रूरत है, तो बेस्ट क्लास चल रहा है अभी आर्मी क्लर्क के लिए, वीडियो कोर्स डायरेक्टली फोकस हम करते हैं आर्मी क्लर्क पर ही, जो आपके लेवल आता है एग्जाम में, जो जैसे एग्जाम पूछा जाता है उसी तरह के सारे पैटर्न, सारे सब क्वेश्चन मैं करवाता हूँ पर, ठीक है। ये क्लासेस लेने के बाद आपको कहीं भी क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है। चलो तो आप बाद में की जो साइंस के लिए जो क्लासेस है वो भी मैं जल्दी लॉन्च करूंगा, ठीक है। चलिए अगला है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, या नॉर्मन बोरलॉग को, या इनमें से कोई नहीं, या वर्गीज कुरियन को। यानी हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है, इसे किसे माना जाता है, इसे माना जाता है नॉर्मन ब्लॉक को माना जाता है, ठीक है। वर्गीज कुरियन जो माना जाता है ये क्या, दूध श्वेत क्रांति, यानी कि दूध से उत्पादन से संबंधित माना जाता है ये, ठीक है। चलो अगला है, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में जो है काली मिर्च का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है, क्या केरल में होता है, क्या कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, या तमिलनाडु में, कौन से राज्य में होता है काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है क्या है, कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक। अगला है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। ऑप्शन है मैथिलीशरण गुप्त, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, या मुल्क राज आनंद। यानी विंग्स ऑफ फायर के जो ऑथर हैं वो कौन हैं, तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है APJ अब्दुल कलाम है। जिन बच्चों ने अभी इनका आंसर ऑप्शन नंबर बी करके आए हैं, यानी कि APJ अब्दुल कलाम करके आए हैं, उनका आंसर पूरी तरह से सही है, अपने नंबर को उसमें ऐड कर लें, ठीक है।
और चलिए देखिए कौन सा सही है। और आप लोग जिनका एग्जाम अभी आने वाला है वो देख लें, अपना मैच कर लें कि इसमें से कितना आप कर पाते हो आप लोग, ठीक है। ये है अगला क्वेश्चन जो है, प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है। प्रदीप कुमार बनर्जी जो है किस खेल से संबंधित है। पहला ऑप्शन आपके पास है हॉकी, बेसबॉल, फुटबॉल या टेबल टेनिस। कौन से खेल से संबंधित है ये, कौन से खेल से संबंधित है ये प्रदीप कुमार। ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फुटबॉल से संबंधित ही है प्रदीप कुमार बनर्जी है, ठीक है। कल आपके पास 100 क्वेश्चन का मैं जीके मिक्स क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है। इसमें साइंस के भी क्वेश्चन होंगे, जीके भी क्वेश्चन होंगे, इसको देखना ना भूलें आप लोग। 100 क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। कल जो आपके पास रहेगा 100 क्वेश्चन का आएगा, उसके बाद आएगा 100 क्वेश्चन का मैथमेटिक्स का आएगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश का भी मैं 100 क्वेश्चन करवा दूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगर आप लोग जल्दी से जल्दी आप मुझे बताएंगे कौन सी क्लास की जरूरत है, तो मैं वही क्लास आपको जल्दी सामने पर लाऊंगा। और साथ मुझे कमेंट ये भी करें कि आप ये क्लास जो देख रहे हो कौन से सिटी से देख रहे हो आप लोग, ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन है, फ्रांस का पहला राजा कौन था। फ्रांस का पहला राजा कौन था, देखिए नेपोलियन, चार्लो मैग्ना, मर्टले, लुइस 14। ये क्वेश्चन के लिए बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट किए हैं, मुझे पूछे हैं क्वेश्चन बहुत सारा डाउट है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे मैं दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए दे रहा हूँ, इसमें ऑप्शन जो जैसे बेस्ट मैच कर रहा है, ठीक है। देखो कि यहाँ पर पहला राजा यहाँ पर है, लेकिन ये पहला लीडर के रूप में कौन थे, नेपोलियन बनाम पार्ट थे। लेकिन अगर यहाँ पर राजा का नाम है तो यहाँ पर ऑप्शन में कोई नहीं है, ऑप्शन में कोई नहीं है। देखिए और राजा के बात किया जाए तो कौन थे यहाँ पर, फिलिप सेकंड थे। पहले प्रथम राजा कौन था तो फिलिप सेकंड था। लेकिन ऑप्शन में जो आप है उसमें मैच करो तो आप नेपोलियन बोनापार्ट है जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, फर्स्ट रूलर थे आपका यहाँ का फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है। अगला है LOC, यानी कि LOC का फुल फॉर्म क्या है, यानी विस्तार रूप क्या है। LOC का फुल फॉर्म क्या है, क्या लोकेशन ऑफ कंट्रोल है, लोकेशन ऑफ कमांड है, लाइन ऑफ कमांड है, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल है, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कौन सा है LOC का फुल फॉर्म। LOC का फुल फॉर्म यहाँ पर है, यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल। जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर सी करके आए हैं उनका आंसर पूरी तरह सही है। आप लोग भी कमेंट करते रहें, जब भी मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक आप लोग कमेंट जरूर कर दें कि आपका आंसर इसमें से कौन सा है, ठीक है। बाद में कमेंट भी करना जरूरी है, लेकिन अभी भी कमेंट करना जरूरी आपका है। क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास लाइक अभी कर दो, क्लास ऐसा नहीं क्लास के देखने के बाद ही आप लाइक करो, क्लास को अभी आप लाइक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो अब आगे आता हूँ, अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है। डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है, क्या मस्तिष्क के रोग में, या हृदय दुर्बलता के रूप में, या गुर्दे से के दुर्बलता के रूप में, इनमें से कोई नहीं। किससे डायलिसिस जो किया जाता है, किस में, मस्तिष्क वाले में के रोग में, या फिर हृदय, या फिर गुर्दे के रोग में, किस में किया जाता है। देखिए डायलिसिस का जो प्रयोग इलाज किया जाता है ये किया जाता है किस में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है, जो कि किस में हो जाता है, तो ये हो जाता है ये हृदय से संबंधित यानी हार्ट वीकनेस से में किया जाता है, ठीक है, हार्ट फेल्योर में किया जाता है डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। चलो अगला है, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है क्या गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, या गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बंदूक से छोड़ी गई गोली, देखिए आप लोग भी कमेंट करते रहे इसका, आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, मुझे हम लोगों का मोटिवेशन भी बढ़ता है, तो आप लोग कमेंट करने से पीछे ना रहें, ठीक है, कमेंट करें आप लोग भी, ठीक है। चलो क्या है, बंदूक की छोड़ी गई गोली जो होती है इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, इसमें होता है ऑप्शन नंबर इसका ए है, जो कि है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होता है, अगला है, वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। क्या ऑप्शन आपके पास जो है, चार्ल्स गुडियर, रॉबर्ट विलियम, या थॉमस पैट्रिक मैकमिलन, या जॉन वॉयड डनलप, कौन से किए थे। देखिए इसका आंसर हो जाता है वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार जो किसने किया था, तो ये किया था चार्ल्स गुडियर ने किया था, ठीक है क्लास। चलो अगला क्वेश्चन पे आता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है, चार्ल्स चाय का वास्तविक नाम क्या है। देखिए आप लोग ही समझे, आप लोग चाय का वास्तविक नाम क्या है, चाय को चाय में लोग कहते हैं लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या है। क्या ऑप्शन आपके पास जो है, ट्रेटिकम है, कैमिलिया सिनेसिस है, या फिर मांगीफेरा इंडिका है, या रूबिया सिया है, तो किसने है चाय का वास्तविक नाम। देखिए चाय का नाम, देखिए जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पहले नहीं आए थे, एग्जाम में आपको पढ़ने की जरूरत के लिए मजबूर कर देता है नए नए जगह से, इसलिए आपको जो सिलेबस दिया गया है सिलेबस को जरूर कंप्लीट करें आप लोग, ठीक है। या फिर मैथ का सिलेबस हो, या रीजनिंग का हो, या फिर आप GK GS का हो, सभी का आप सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत है। सिलेबस देखें, अगर सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा library.com का, तो वहाँ से आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ आप ये क्लास जो देख रहे हो इसका मैं PDF भी डाल दूंगा यहाँ पर क्लास में, तो इसका लिंक जो रहेगा livepadhai.com पे रहेगा, livepadhai.com, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक का, ठीक है। बाद में पेड कोर्स के लिए भी जो लिंक है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है।
चलो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो कि यह कैमेलिया सिनेसिस है। क्या है? कैमेलिया सिनेसिस है, जो चाय का वास्तविक नाम है। अगला है, निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है। निम्नलिखित तत्वों के बीच में यानी कि देखिए इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें ध्वनि जो है सबसे तेज चलती है। देखिए ध्वनि जो तेज चलता है किसमें चलता है सबसे तेज, इसमें स्टील में चलता है। स्टील किसमें? तो स्टील में चलता है। ठीक है, आगे आता हूँ। अगला है, पलवन का नियम की खोज किसने की थी? पलवन का नियम का खोज किसने की थी? क्या हेनरिक हर्ट ने किया था, या एल ई वाटरमैन ने किया था, या न्यूटन ने, या आर्किमिडीज ने? तो पलवन की नियम का खोज जो किया था ये किए थे ऑप्शन नंबर डी किए थे, जो कि क्या है, आर्किमिडीज ने किए थे, आर्किमिडीज ने किए थे। ठीक है, अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से है। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वायुमंडल में कौन सी गैस के वजह से होता है ये, कौन से? देखिए ये क्वेश्चन तो आपको पता होना ही चाहिए आपको, कम से कम आपको एग्जाम की तैयारी करते हो तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनना ही चाहिए, एग्जाम पता होना ही चाहिए आप लोगों को। क्या ओजोन गैस, या फिर नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड? देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। आगे बढ़ता हूँ, लेंस बना होता है किसका? लेंस किससे बनता है? क्या फ्लिंट ग्लास से, कोबाल्ट ग्लास से, या पायरेक्स ग्लास से, या फिर पायरेक्स ग्लास से, या फिर सामान्य ग्लास से? किससे बना होता है? देखिए इस ये लिंक जो बना होता है ये होता है फ्लिंट ग्लास से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, फ्लिंट ग्लास। ठीक है, अगला है, पत्तियों में मौजूद हरे रंग वर्णक को कहते हैं, पत्तियों में मौजूद हरे रंग वर्णक को क्या कहते हैं? क्या कैरोटीन कहते हैं, या जेमोफिल कहते हैं, या फाइकोबिलिन कहते हैं, या क्लोरोफिल कहते हैं? पत्तियों में जो मौजूद हरे रंग जो वर्णक होता है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल आपका आंसर पूरी तरह से सही है। आप लोग भी नोट करते रहें इसको, अगर नहीं पता है तो अभी आप क्लास में, क्लास टाइम में देखो क्लास, बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहो, क्लास खत्म होगा इसका नोट बना लेना आप लोग। नोट का रिवीजन भी उतना ही जरूरी है करना, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो है, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे कठोर रूप जो है, क्या ग्रेफाइट है, चारकोल है, कोल है, या फिर हीरा है? कौन सा है? तो कार्बन का सबसे कठोर रूप जो है ये है ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट आपका आंसर यहां पर है। अगला है, खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? खारे पानी की सांद्रता माप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता उपकरण कौन सा है? क्या गैलेनोमीटर है, या सीलो सैलिनोमीटर है, या फार्मामीटर है, या पीएच मीटर है? कौन सा है? तो खारे पानी को मापने का जो इस्तेमाल किया जाता है ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है पीएच मीटर है, पीएच मीटर है। ठीक है, आगे है डिक्टाइलोलॉजी का अध्ययन क्या है? इसे क्या क्या आता है? क्या फोरेंसिक में इसका यूज़ किया जाता है, फिंगरप्रिंट में यूज़ किया जाता है, या लिखावट में, या कार्बन डेटिंग में, किस में किया जाता है ये? देखो ये जो किया जाता है ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी है इसका, जो कि किस फिंगरप्रिंट में किया जाता है इसका इस्तेमाल, इसका ध्यान। जैन साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी परीक्षा 2021 के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग करने वाले हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग और गणित करने वाले हैं। देखिए ये तो वैसे जीडी का पेपर है और जीडी के लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन आप अगर कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, या फिर आप क्लर्क की तैयारी करते हो, या टेक्निकल की, या ट्रेडमैन की, ये आपको सब में आपको बराबर हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा मत समझें कि आपका ये बस जीडी के लिए ये है, जीडी के लिए नहीं है। क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं आर्मी के एग्जाम में, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे फिर वो टेक्निकल का हो, या फिर जिसका भी हो, इसलिए आप इसको आप पूरा पूरा करें, आप भी इसका नोट बनाएं आप। ठीक है, तो जीके तो कॉमन है, ये चीज जनरल साइंस कॉमन है, गणित और गणित जो है, मैथ जो है कॉमन है। ठीक है, तो इसका आप आपका नोट जरूर बनाएं, आप जरूर करें, पूरा पूरा वीडियो जरूर देखें। और साथ साथ मैं आपको ये चैनल कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करना। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर ये जो वेबसाइट है आपके लोगों के लिए लाने वाला हूँ, ये बिल्कुल डिफेंस के लिए होगा, जो भी अपडेट्स में होगा ये डिफेंस के लिए अपडेट होगा। तो साइट का नाम है www.livepadhai.com। अभी ये वेबसाइट जो है अभी कंस्ट्रक्शन में है, बहुत जल्दी आपके सामने लाइव हो जाएगा, इसका अभी कुछ कंटेंट मिलेगा नहीं आपको, तो कुछ दिनों के बाद आपको सब सारा चीज पर मिलने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट, ये कोर्सेज, वीडियो, सारे चीज पर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए ज्यादा बात नहीं करता हूँ और अभी चलते हैं आपके क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ।
ठीक है, और क्वेश्चन में देखें आपको कितना क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और आप नोट बनाएं और मुझे कमेंट करना है कि सर मुझे 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। देखिए आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आयरन मैन किसे कहा जाता है, आयरन मैन किसे कहा जाता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन जो है भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर इमेज भी लगा दिया है, तो बहुत सारे बच्चे इस इमेज से पहचान पाए हैं तो उसका आंसर भी कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता है, मैंने आपको हिंट के लिए और थोड़ा तो एक्टिव लगने के लिए आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा फोकस कर पाएंगे, इसलिए मैंने इसका इमेज भी, इनका इमेज भी मैं कुछ कुछ लेके आ रहा हूँ। और भी कुछ चेंजिंग करने हैं तो आप मुझे जरूर करना है, इसका आंसर क्या हुआ है आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब देखो आयरन मैन किसे कहा जाता है, तो आयरन मैन किसे कहा जाता है, तो आयरन मैन कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का और भी जो नाम है, ये तो नाम फेमस है आयरन मैन, अब देखो बिस्मार्क, एक बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी इनको कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया तो है ही, और इनका सरदार के भी नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। सरदार जैसे बोलते हैं ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार भी इनको अगर बोलेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और देखिए और इसको और क्या कहा जाता है, तो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनके बारे में और कुछ आप नोट कर लीजिए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से कुछ कुछ जो जगह फेमस है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो एक है सरदार सरोवर डैम, क्या है, सरदार सरोवर सरोवर डैम, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये है गुजरात में, कहाँ, ये गुजरात में है। तो नोट जरूर बना ले आप कि सरदार सरोवर डैम जो है कहाँ पर है, तो गुजरात के अंदर है। एक और पॉइंट से नोट कर ले, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, देखिए स्टेडियम, ये स्टेडियम इनके नाम पर है, ये कहाँ पर है, ये है आपके अहमदाबाद के अंदर, कहाँ, ये अहमदाबाद में, ठीक है, इनके नाम पर है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक और नोट कर लीजिए, वैसे तो इनके नाम पर बहुत ज्यादा इसमें है, लेकिन तभी मैं जो इसका फेमस है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसका लोकेशन पूछ दिया जाएगा कि ये बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, ये अहमदाबाद में है, ठीक है। इनके नाम पर एक और है, आप वो भी नोट कर लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल, क्या, NATIONAL नेशनल मेमोरियल, ये कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ है, तो अहमदाबाद में है, ठीक है, कहाँ पर है, ये अहमदाबाद में है। तो इसको आप नोट जरूर बना लें आप, ठीक है। तो इनके बारे में इतना जानकारी था, ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आप इतना चीज सीख पाए हो आप, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है, वह प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब देखिए इनके इमेज आप जान ही पाएंगे, तभी आपको पहले से पता होगा, तो आप नोट बना लेना आप, ठीक है। तो देखिए भारत का सबसे पहला खिलाड़ी कौन है जिनको भारत रत्न मिला था। देखिए भारत रत्न क्या होता है, भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भारत का भारत रत्न है, ठीक है। तो सबसे पहले जो खिलाड़ी थे उनको किसको मिला था, ऑप्शन आपके पास जो है, विराट कोहली, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा कि सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले क्या मिला था, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और देखने के बाद शेयर जरूर करना आप, ठीक है। चलो मैं अगला क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, इसका इमेज देख लीजिए, इमेज से पहचान लीजिए, इमेज आपका क्या माइंड बैठ जाएगा ना, तो उस चीज को भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। ये कौन है, आप जैसे कि जैसे ऐसा क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा, ये तो ये हैं, ठीक है। अब देखिए इनके टी शर्ट पर भी लिखा है, इनके टी शर्ट पर भी लिखा है, इनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो पहला ऑप्शन है आपके पास नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, रॉबर्ट पियरे, तो चार ऑप्शन आपके पास है। तो चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो ये है नील आर्मस्ट्रांग, है चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं,
ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आप मेरे साथ बने रहें और जितना भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उतना क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लास आप डेली मैं एक एक वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, चलो मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आऊंगा, मैं आप बताऊंगा लास्ट में वीडियो क्लास में, तो आप मेरे साथ बने रहना आप। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में स्थित है। अब देखिए इस आपके पास चार स्टेडियम मैंने दिया है यहाँ पर, इसमें से कौन सा स्टेडियम है जो मुंबई में है। देखिए पहला ऑप्शन है ग्रीन पार्क, वानखेड़े स्टेडियम, इडियन गार्डन और चेपक स्टेडियम। देखिए तो आपका चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में से कौन सा है जो मुंबई में स्थित है ये आपका स्टेडियम, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, चलिए एक मिनट रुक जाओ, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वानखेड़े स्टेडियम। देखिए वानखेड़े स्टेडियम क्या है, तो ये मुंबई में स्थित है। तो आपके पास क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि अब ये बताओ कि वानखेड़े स्टेडियम तो मुंबई में है लेकिन बताओ ग्रीन पार्क कहाँ पर है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, ये है कानपुर में। कहाँ है ये, तो कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम है। देखिए आपका आंसर तो आपका ए है, मैं आपको अलग से नोट बनाने के लिए कह रहा हूँ, इसको नोट बना लो आप। कानपुर, कानपुर कहाँ है ये, तो कानपुर में। कानपुर कहाँ है, यूपी में है। ठीक है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो ये कानपुर के अंदर, यूपी के अंदर कानपुर में है। ठीक है, अब देख लो ये ईडन गार्डन कहाँ पर है, ईडन गार्डन कहाँ पर है, ये है कोलकाता में। कहाँ ये, तो कोलकाता में स्टेडियम है ये, ईडन गार्डन है। ठीक है, तो आपका आंसर है, आपका ये आंसर बी ही है, लेकिन मैं आपको नोट बनाने के लिए कह रहा हूँ। अब देखो चेपक स्टेडियम कहाँ पर है, चेपक स्टेडियम कहाँ है, तो ये है चेन्नई में। कहाँ ये, तो चेन्नई के अंदर है ये चेपक स्टेडियम। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास है इमरान खान, अयूब खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी। अभी जो करंट में, वर्तमान में, वर्तमान में कौन है जो अभी अभी जो भारत के प्रधानमंत्री, भारत नहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन जो आपके पास चार ऑप्शन था, चार ऑप्शन मैंने बता दिया, आपने आंसर कर भी लिया होगा, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है जो कि इमरान खान है। अभी करंट में कौन है, ये 2018 में नियुक्त हुए थे ये इमरान खान प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, जो अभी तक करंट में है, ठीक है इमरान खान, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन आपके पास है लद्दाख, थाने, लेह या चेरापूंजी। देखिए अब देखिए मैंने उसका कुछ सीन दे दिया है, मैंने उन जगह का कुछ सीन दे दिया है। देखो अब उसका और भी है जो कि टूरिस्ट प्लेसेस प्लेसेस वहां पर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको घूमने की जगह। देखो कितना अच्छा सीनरी यहाँ पर है, देख लो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसे जगह पर घूमने में आपको बहुत अच्छा लगता है, यानी सभी को अच्छा लगता है, नेचर सभी को पसंद आते हैं। ठीक है, देखिए तो इसका मैं आंसर कर लेता हूँ अभी, ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी। देखिए भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान जो है ये है चेरापूंजी। कहाँ पर है ये, तो चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। ठीक है, चलो अगला है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। आप देखो इसको देख के समझ गए होगे कि मैं किस खेल की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन आपके पास है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या वॉलीबॉल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा कि फुटबॉल। फुटबॉल क्या है, तो ये भारत संतोष ट्रॉफी से संबंधित खेल है ये। ठीक है, चलो आगे है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण किस राज्य में स्थित है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके पास है कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। देखिए तो आपके पास जो ऑप्शन है इनमें ऑप्शन में से आपका आंसर कौन सा है, ठीक है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, ये केरल में है। कहाँ पर है ये, केरल में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसी का कुछ सीन यहाँ पर है, मैं जो मैंने डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला है नाइन का, ताजमहल किसने बनाया था, ताजमहल किसने बनाया था, ताजमहल किसने बनाया था। ऑप्शन है आपके पास औरंगजेब, बाबर, शाहजहां, हुमायूं। देखिए तो ताजमहल किसने बनाया था, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि ये शाहजहां है, शाहजहां है, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। ठीक है,
चलो अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे मैं देखो मैं आपकी क्लास कभी करवा रहा हूँ, अब ऐसा ना हो कि मैं बस क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ, अब अंदर अंदर करते जा रहा हूँ, कुछ ऐसे बात कर रहा हूँ, कुछ बीच में ऐसा नहीं करता हूँ, आप बोर मत होना। बस ये 20 से 30 मिनट का क्वेश्चन होगा जो कि 50 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, तो फोकस करें बस पढ़ाई पर अभी, ठीक है। बातें करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम होता है, ठीक है। बाद बाकी और भी जो आपको कुछ क्लासेस लेने हैं या फिर ऐसे कुछ है जो पेड कोर्सेज हैं या फिर बुक लेना है, ये बुक लेना है, तो मैं इसका सबसे पहले तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। या क्लर्क का, टेक्निकल का, या फिर ट्रेडमैन या जीडी का लेना हो तो मैं उसे आज जाके परचेज कर लेना आप, ठीक है। तभी परचेज करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, जो कि है ये 8210718211 है। कोई भी क्वेरी अगर हो तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। अगर आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी है जो बताना चाहते हैं और बच्चों को, तो आप मुझे बताना कि मुझे सर ये चीज मुझे बताना है बच्चों को, ठीक है, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। चलो अब देखो 10वां क्वेश्चन जो है आज का, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान का स्लोगन जो था वो किसने दिया था। ऑप्शन आपके पास है अटल बिहारी वाजपेयी, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल। देखो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ऑप्शन नंबर सी है आपका, जो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट करके ये बताना कि भगत सिंह का नारा क्या था, भगत सिंह का नारा क्या था, आप मुझे यहाँ कमेंट करके बता देना कि भगत सिंह का नारा क्या था, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर ये हैं लाल बहादुर शास्त्री जी यहाँ पर हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री हैं जो कि जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन है आज का, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। देखिए आपके पास ऑप्शन है चंडीगढ़, कोलकाता, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो विक्टोरिया महल, देखिए अभी मैंने इससे बात किया था जो उससे पहले जो वो क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल था, देख लिया यहाँ पर क्या है, विक्टोरिया महल है। तो विक्टोरिया महल का आंसर कुछ अलग से में हो जाएगा, तो आपके पास चार ऑप्शन में से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये कोलकाता में है। कहाँ पर है ये, तो ये विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है, कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के कैपिटल कहाँ है, तो कोलकाता है, ठीक है। देखिए इसका इमेज है विक्टोरिया मेमोरियल का, यह इमेज है, ठीक है, इस फ्रंट साइड का ये इमेज है, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल का, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है, यानी कितने वर्षों में वह राष्ट्रपति बनने योग्य हो जाता है। आपके पास ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या कोई समय सीमा नहीं है, यानी कभी भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसकी मिनिमम एज होता है, मिनिमम आयु होता है। तो कितना होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष का होना अनिवार्य है, कम से कम 35 वर्ष का होगा तभी वह भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है अभी जो अभी अभी करंट में जो अभी करंट में है भारत के राष्ट्रपति हैं, तो ये कौन है आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। इनका इमेज भी डाल दिया है, आप मुझे कमेंट करना और बताना कि ये कौन है, अभी भारत के राष्ट्रपति करंट में कौन है, वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो आगे है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी। देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भारत भारत की नहीं यहाँ पर है, यहाँ विश्व की है, तो विश्व की प्रथम महिला कौन थी। आपके पास ऑप्शन जो है, आरती साहा, कल्पना चावला, विचेंद्री पाल, जुंको तबाई। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, देखिए इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ऐसा ना करना एग्जाम में क्वेश्चन आप जो करना आपको क्वेश्चन आपको कंस्टेंटली फोकस करके करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ऐसा ना मत समझना कि ये भारत है, भारत करोगे तो आपको आंसर मिस हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी भारत रहता है, कभी कभी विश्व रहता है, तो भारत के अलग हैं और विश्व के अलग हैं। यहाँ बात है विश्व की प्रथम महिला कौन है विश्व में चढ़ने वाली, तो आपका ऑप्शन है जुंको तबई है। कहाँ है, जुंको तबई जो है ये विश्व की प्रथम महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ी थी, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा भारत का सबसे प्रथम महिला कौन है, भारत की प्रथम महिला कौन है, तो ये है बचेंद्री पाल भी कहा जाता है, बचेंद्री पाल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है विश्व की है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, जुंको तबई आपका आंसर हो जाएगा, जो कि इनका देख सकते हैं इसका इमेज है, इनका ये फोटो है जुंको तबई का,
ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसे कि वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, यानी ग्रैंड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन जो है, दादा भाई नौरोजी, बल्ला भाई पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास है। चार ऑप्शन में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इनका इमेज ही लगा दिया हूं मैंने, तो इनका इमेज से हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं पहचाने, तो इसका इमेज देख लीजिए, इनका नाम है दादा भाई नौरोजी, नौरोजी ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी हैं ये, जो इसे कहा जाता है वयोवृद्ध ऑफ, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक आप जरूर दबाओगे, आप मुझे उम्मीद है, और वीडियो को शेयर जरूर करोगे, ठीक है। चलो आगे है, भारत भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आपका ऑप्शन जो है, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, इनमें से कोई नहीं। देखिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था, ये हुआ था भारत के दक्षिणी भारत से स्टार्ट हुआ था, ये भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था, कहाँ से हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत। देखिए जितने सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आप जरूर करें, नोट जरूर बनाएं आप, ठीक है, एग्जाम में हूबहू ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। आर्मी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी कर जाते हैं, तो ऐसा उम्मीद करना कि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये आ जाए, इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, चांदी का प्रतीक क्या है, चांदी का सिंबल क्या है, चांदी का प्रतीक क्या है। ऑप्शन आपके पास है सी यू, ए यू, ए जी या फिर ए आई। चांदी यानी कि सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर का क्या है, सिंबल क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिसे कि कहा जाता है एजी कहा जाता है। इसमें कुछ देख लीजिए, जैसा कि ऑप्शन आपका कुछ नोट में है आपको, ए एल यानी कि अल्मोनियम को क्या कहा जाता है, तो ए एल कहा जाता है, ए आर यानी कि ऑर्गन को कहा जाता है, ए एल कहा जाता है, ए यू की बात करेंगे ये क्या आता है, गोल्ड होता है, बी की बात करेंगे तो क्या है, बोरोन है, और बी ए यानी कि बेरियम, और बी यानी कि बेरिलियम है, इसको आप नोट आप नोट कर लेना आप, ठीक है। ये क्वेश्चन में कभी कभी क्या गोल्ड के बारे में ज्यादातर पूछ दिया जाता है, ये सिल्वर के बारे में पूछ दिया जाता है, ऑर्गन के बारे में पूछ दिया जाता है, इसको आप नोट नोट कर ले, ठीक है, ये आपके लिए वीवीआई है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या है, ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन आपके पास है ओ टू, ओ थ्री, सी ओ टू या इनमें से कोई नहीं। देखिए ओजोन गैस का फॉर्मूला जो है, केमिकल नेम जो है, ये है ओ थ्री, यानी कि इसे कहते हैं क्या, ट्री ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है, अगर ट्री ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है, ट्री ऑक्सीजन कहते हैं, इसे कहते हैं ट्री ऑक्सीजन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किस धातु का बना होता है। ऑप्शन जो आपके पास है, टंगस्टन, पारा, नाइक्रोन या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किससे का बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन का, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, इसलिए वो गल नहीं पाते हैं वो ठीक से, ठीक है, और इसलिए ये बल्ब जलते रहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है, आपका आंसर ए जो आपकी आंसर है, यानी बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन का, ठीक है। चलो अगला है, पेड़ पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं। ऑप्शन है आपके पास, श्वसन क्रिया के द्वारा, या कार्बन एसिमिलेशन के द्वारा, या उत्सर्जन, या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो सभी हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं किसके द्वारा बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना खाना बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है इंग्लिश में कहा जाता है, जो कि हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन आपके पास है, थायराइड, लैक्रिमल, स्तन ग्रंथि, पीयूष। देखिए तो आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि लैक्रिमल, लैक्रिमल के द्वारा क्या होता है, आंसू ये स्रावित होता है, आंसू ग्रंथि किससे स्रावित होता है, तो ये है लैक्रिमल, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अनुवांशिकी के पिता कौन है।
ऑप्शन चार ऑप्शन आपके पास है, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन आपके पास है जो कि बताने हैं आपको अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है लैमार्क, लुई पास्चर, मेंडल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि ये मेंडल है, मेंडल है। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो ये मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। ऑप्शन आपके पास जो है NH3, NH4Cl, NaSCO2, CO3, Na2CO3। इनमें चारों ऑप्शन में से जो है अमोनियम क्लोराइड का जो ये है आपका पास सूत्र जो है ये है NH4Cl, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कि जो क्वेश्चन बताना हो उसका आप नोट जरूर बनाना आप, ठीक है, ठीक है। चलो और क्लास कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप, ठीक है। चलो बैरोमीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है लोहा, पानी, पारा या इनमें से कोई नहीं। देखिए बैरोमीटर में जो प्रयोग किया जाता है किस धातु का प्रयोग किया जाता है, यह प्रयोग किया जाता है पारे का प्रयोग किया जाता है, यानी पारा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सी यानी कि पारा, ठीक है। चलो आगे है अगला क्वेश्चन जो है, भोजन में विटामिन सी की कमी से के कारण कौन सा रोग होता है। अगर भोजन में हमको अगर विटामिन सी की कमी अगर बार बार मुझे मिले अगर तो उससे मुझे कौन सा रोग हो सकता है। ऑप्शन जो आपके पास है स्कर्वी, बेरी बेरी, पोलियो या मलेरिया। देखिए तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग जो है ये है स्कर्वी, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस रक्त ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है, यानी कौन से ग्रुप का जो व्यक्ति होता है जो सभी को ब्लड दे सकता है सर्वदाता कहलाता है। ऑप्शन आपके पास है ब्लड ग्रुप बी का, ए का या फिर ओ का या फिर ए बी का। देखिए सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओ ग्रुप वाले को क्या कहा जाता है, सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। अगला है Al2O3 2S2O किसका सूत्र है, किसका सूत्र है, यानी कि ऑप्शन आपके पास है हेमाटाइट का या बॉक्साइट का या गैलेना का या मैग्नेटाइट का। तो ऑप्शन आपके पास जो है ऑप्शन नंबर बी या क्या है आपका आंसर है कि बॉक्साइट का ये सूत्र है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, गति का दूसरा नियम क्या है, यानी लिखिए गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम क्या है। ऑप्शन जो आपके पास है m = m/a, f = ma, f = m²/b, f = a/m। देखिए गति का दूसरा नियम जो है, गति का दूसरा नियम जो है ये है ऑप्शन नंबर बी f = ma, यानी कि f = क्या हो जाता है, तो ये होता है फोर्स, ठीक है, ये है फोर्स, m है ये मास और ये है एक्सेलरेशन है, क्या ये, तो एक्सेलरेशन है, क्या है ये, f = ma, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या है। ऑप्शन आपके पास जो है 1/2mgh, 1/2mv, mv² / 1 यानी कि हाफ mv², ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 1/2 1/2mv², ठीक है, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि यहाँ पर है मास और यह है वेलोसिटी, क्या, ठीक है। तो ठीक है, तो आपका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते हैं कि ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है, ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है, नाक से है या फिर गले से है या आंख से है या कान से है। देखिए ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है, यह है आंख से, किससे संबंधित है, ये आंख से रोग संबंधित है ट्रैकोमा, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, रक्तदाब किससे मापा जाता है, रक्तदाब किससे मापा जाता है। ऑप्शन आपके पास जो है लैक्टोमीटर या एस्फिग्मोमैनोमीटर या मैनोमीटर या बायोमीटर। देखिए रक्तदाब जो मापा जाता है यह है एस्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, ठीक है, ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि मान लो जनवरी को अगर नवंबर से संबंधित करते हैं, जनवरी को अगर नवंबर से संबंध अगर है तो रविवार का संबंध किससे होगा,
पहले देख लो जनवरी से नवंबर कैसे बना, जनवरी से नवंबर कैसे बना, अगर ये मुझे पता चल जाए अगर मुझे, तो ये आंसर इसका हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये देखो जनवरी, देखो जनवरी, जनवरी के पास में नवंबर है ना, देखो जैसे जनवरी से पहले क्या आता है, दिसंबर आता है, दिसंबर से पहले क्या आता है, तो ये नवंबर आता है, यानी कि जनवरी के बाद यानी एक छोड़कर दिसंबर छोड़कर ये पीछे आया गया है ना, तो नवंबर बनाया। उसी तरह से मान लो यहाँ संडे है यानी रविवार है, रविवार से पहले क्या होता है, सैटरडे होता है, उसके पहले क्या होता है, फ्राइडे होता है ना, तो आप क्या हो जाएगा, इस तरह से मतलब एक दो पीछे आया है, उस तरह से आप भी एक दो पीछे आ गए, संडे यहाँ पर था, सैटरडे आ गया, फिर उससे पहले फ्राइडे आ गया, तो फ्राइडे आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि आपका शुक्रवार आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें रीजनिंग में क्या होता है, जिस तरह से ये बनाया गया ना उस तरह से आपको ये कम्बिनेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉस्पिटल को ऐसे लिखा जाता है ना, HOSPITAL को ऐसे लिखा जाता है, तो पोस्टल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर में क्या होता है, अगर मान लो नंबर से कोडिंग किया गया है ना, तो ऐसा हो सकता है कि एस का कोड क्या 8 हो, ओ का कोड 6 हो, एस का कोड 5 हो, उसी तरह से एल का कोड 8 हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा है कि आपका हमेशा ही होगा, लेकिन ये मे भी हो सकता है, जहां ज्यादातर किस्म ऐसा ही होता है। इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या सभी लेटर जो इसमें है क्या इसमें क्वेश्चन में है, तो आप बोलेंगे हाँ POSTAL है ना, देखो POSTAL है यहाँ पर, अब देख लो यहाँ पर, अब इसको मैच कर, इसका मतलब समझ गए हैं कि इसका सभी को क्या नंबर नंबर से कोडिंग किया गया है, अल्फाबेट को नंबर से कोडिंग किया गया है। देखो अब है POS है ना, लास्ट में TL है, TL है लास्ट में, TL लास्ट में इसमें भी है, या लास्ट का 3 नंबर 418, 418 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि आपका आंसर ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, लेकिन अब देखो POS है ना, तो P का कोड क्या है, 1 2 3 चौथे स्थान पर ना, P 1 2 3 4 चौथे स्थान पर P है, यानी 7 से स्टार्ट होने वाला, 7 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, 7 से ये भी स्टार्ट हो रहा है। अब है OS, देखो OS यहाँ पर है ना, OS यानी कि दूसरा तीसरा 6 5, अब 6 5 किसमें है, इसमें है ना, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, पी का कोड क्या है सर्च कर सकते हो आप, 7 है, उसे ओ का कोड क्या है, ओ का कोड 6 है, यहाँ पर ऐसे पता कर सकते हो आप, ऐसे ही पता कर सकते हो, ठीक है। ये है प्रैक्टिस पर, इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, MAD को अगर हम JXA लिखते हैं तो RUN को क्या लिखेंगे हम लोग। अब देख लीजिए MAD है, MAD है, यहाँ पर JXA है। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो, अगर देखो यहाँ पर पास में क्या है, ये दोनों पास में लग रहा है मुझे, पास में लग रहा है मुझे, नजदीक का लग रहा है ना। देखिए अगर J के बाद क्या आता है, K आता है, फिर L आता है, फिर M आ गया, X के बाद क्या होता है, X Y Z, उसके बाद A आ गया, उसके बाद देखो A के बाद क्या आता है, B आता है, C आता है, उसके बाद D आता है ना। देखिए यानी कि दो दो अंक पीछे करके, यानी कि मैंने तो आंसर्स में से यानी इससे मैंने ये बना दिया ना, तो आपको यहाँ जो आएगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको ये बनाना पड़ेगा। मैं तो इसको समझने के लिए मैंने करा था ना, यानी कि देखो M से आप दो पीछे जाओ, M से पहले क्या आता है, L आता है, फिर K आता है, फिर J आता है ना, यानी इसके दो पीछे करके, दो छोड़ के तीसरा नंबर लिया गया है। अब A के पहले Z आता है, फिर Y आता है, फिर X आता है, यानी दो छोड़कर फिर X ले लिया गया है ना। उसी तरह से आप समझ लो यहाँ पर RUN है, RUN है, तो R से आप दो छोड़ के आप तीसरे नंबर पे आ जाओ, R से पहले क्या आता है, Q आता है, फिर P आता है, P से पहले क्या आता है, O आता है ना, यानी कि R से क्या बना, O बन गया, तो O से स्टार्ट होने वाला आपका आंसर आपका एक ही है, जो कि ऑप्शन नंबर B है, ठीक है। देखो आपका आंसर यहीं से मैच कर गया, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यू है, अब यू से पहले क्या आता है, यानी टी से पहले एस आ गया, यानी दो छोड़ दिया मैंने, इससे पहले आर आ गया ना, तो आर भी आपका मैच कर गया, देख लो आर भी मैच कर गया, उस तरह से आप एन का मैच करोगे तो के आपका आंसर हो ही जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे है 198, 185, 172, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं इस चीज को, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये लिया गया है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अगला नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। अब देख लो 198 से 185 कैसे बना, अगर मैं देख रहा हूँ इसमें 13 घटाकर, यानी इसमें 13 कम कर देता हूँ तो इतना बन जाता है, इसमें भी अगर 13 मैं कम कर दूं अगर, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 172 में, अगर हो जाता है 13 कम करके बढ़ रहा है ना, इसमें भी आप 13 कम कर दो, इसमें आप 13 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 9, यानी क्या हो जाएगा, ये 159 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि 1 मार्च 2016 को बुधवार था तो बताइए कि 26 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। 1 मार्च 2016 को बुधवार था तो बताइए कि 26 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। अब देख लो, ये है कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आसानी पूछा जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा। अब देख लो, कोई भी अगर मान लो 1 मार्च को क्या था, ये बुधवार था ना, बुधवार था, तो उसमें आप 7 ऐड कर दो, यानी 1 में आप 7 ऐड कर दोगे, कितना 8 तारीख बन गया ना। तो 8 तारीख को क्या बन जाएगा, 8 तारीख को क्या बनेगा, 8 मार्च को क्या बन जाएगा, तो बुधवार ही रहेगा। अगर बुधवार था ना तो बुधवार ही रहेगा। यहाँ पर 8 में फिर 7 जोड़ दो, 8 में फिर 7 जोड़ दोगे, कितना बन जाएगा, 15। यानी कि 7 7 ऐड करके जितना डेट बनेगा ना, जितना तारीख बनेगा ना, उस तारीख को क्या रहेगा, बुधवार ही रहेगा। क्या रहेगा, बुधवार ही रहेगा, बुधवार यानी कि ये वेडनेसडे ही रहेगा, बुधवार ही रहेगा। यानी 8 1 में 7 जोड़ के 8 बना, तो 8 बना ये बुधवार, 8 से जोड़ के 7 5, यानी कि ये 15 हो गया, तब ये बुधवार। फिर इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 15 7 22, 22 तारीख को क्या रहेगा, बुधवार ही रहेगा। आपको पता करना है 26 तारीख को ना, अगर 22 तारीख को अगर बुधवार है तो 23 24 25 26। अब देखो बुधवार यहाँ पर है ना, बुधवार यहाँ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गुरुवार, ये बन जाएगा शुक्रवार, ये शनिवार, ये क्या बन जाएगा, रविवार बन जाएगा। इसलिए आपका क्या आंसर हो जाएगा, इसमें रविवार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ज्यादा कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, और इसमें क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको आर्मी क्लर्क में उतना ज्यादा, आर्मी क्लर्क या जीडी में उतना डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे बैंक जो करोगे, एसएससी करोगे, उसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, लेकिन जीडी में वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस कॉमन सेंस की बात होती है, आपको वो पकड़ना है और बनाना है आपको, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो याद कर लो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा कि 1000 मीटर आपका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला है -225 -425 -625 -825, को सीरीज में है तो अगला नंबर क्या होगा। अब देखो इसमें 200 ऐड करने पर कितना बन गया, इतना बन गया, 200 ऐड करने पर कितना बन गया, इतना बन गया, जिसमें 200 ऐड करने पर इतना बन गया ना, सब में देखिए 200 200 करके बढ़ रहा है ना, इसमें 200 बढ़ा दो आप, यानी कि 1000 1025, अब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, माइनस लगा के, यानी कि सब में क्या माइनस 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 करके बढ़ा दिया, जोड़ दिया गया है ना, तो कितना आपका हो जाएगा 1025 आपका आंसर हो जाएगा। एक सीरीज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। मैं हमेशा से बोलता हूं आपको कि मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का सारा फॉर्मूला आपको फिंगरप्रिंट पर होना चाहिए, यानी आपको पूरा पूरी तरह से बढ़िया से याद होना चाहिए कि क्वेश्चन देखें आपके माइंड में आ जाए। देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन आते ही आते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना तो उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, यानी फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप समझ पाओगे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। फॉर्मूला आप जरूर बनाना, एक जगह फॉर्मूला को लिख लेना और सारे फॉर्मूला को याद कर लेना, और फॉर्मूला याद कर रहे हो उस पर क्वेश्चन बनाना, आप कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में डायरेक्टली नंबर आ जाएगा। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है, इसलिए फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है। देखिए वृत्त की परिधि कितना है, तो 88 सेंटीमीटर है ना, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, इक्वल टू 88 कर दूंगा मैं ना। देखो अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 गुना आर 88। अब देखो 22 चौका 88, 2 दुना 4, 2 2 दुना 4 कट गया। अब देखो r अपॉन में 7 बच गया, ऊपर में 2/1 यानी गुना कर दो ऐसे ऐसे, यानी r गुना करोगे 1 से तो r ही रहेगा, और 7 दुना में 14 क्या हो जाएगा आपका, त्रिज्या हो जाएगा, जो कि वही पूछा था वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यानी रेडियस कितनी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, 1 + 1/a = 8 है तो a² + 1/a² = what। यानी अब देख लो, a मान लिया जाए, यानी कि यहाँ पर x मान लिया जाए तो a + 1 + 1/a² = what। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² - 2 होता है, x² - 2 होता है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना। अगर
ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू एक्स दिया हो तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वॉट कितना हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर करके माइनस टू कर देंगे। यानी कि यहाँ पर एट दिया है, यहाँ पर तो एट का स्क्वायर करके क्या कर दोगे, यहाँ पर माइनस टू कर दोगे, यानी 68 64 -2, यानी कि आपका हो जाएगा 62, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेगा, जब भी अभी आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि बीज गणित का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ऐसे फॉर्मूला बेस्ड ही एग्जाम में आएगा, तो देखकर कभी घबराना नहीं आप और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओ आप, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु को 4800 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस व्यक्ति वो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य करो, ठीक है, यानी ज्ञात करो, ठीक है। एक वस्तु देखो इतना रुपए में है ना बेचने पर, इतना रुपया क्या है सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस है, उसका लाभ इतना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अगर सेलिंग प्राइस दिया हो यानी विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो, तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट यानी कि सेलिंग प्राइस कितना 4800 है, गुना में 100 कर दूंगा मैं, अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20 है ना, तो 100 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा, 0 0 कट गया, 12 4 48 यानी 40, 40 गुना में 100 यानी कि 4000 आपका क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जो कि क्रय मूल्य कहलाता है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरह से देखिए तो इसका भी फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ बता दिया है इसको भी नोट कर ले आप, ठीक है। मैथ के सीरीज में जल्दी लेके आऊंगा, आर्मी क्लर्क टेक्निकल या फिर जीडी या रेडमेंट के लिए, तो मैथ का सीरीज में जल्दी लेके आ रहा हूँ, इसको करने के लिए आप तैयार रहे हैं आप, ठीक है, और वीडियो को जब शेयर जरूर करना आप, ठीक है। मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो आप इतना कर ही सकते हो हम लोगों के लिए, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है, मान लो 64 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है ना, 8 तो हो गया लास्ट में तो 8 ही आएगा, लेकिन सब में 8 दिया दिया है यहाँ पर ना, दिया ही दिया यहाँ पर है। देखो यहाँ पर कितने दशमलव बाद कितने नंबर यहाँ पर है, 2 2 4 2 6 है ना, 6, यानी कि 6 में से यानी कि वर्गमूल करोगे ना तो हाफ यानी कि 3 कर लो आप, पॉइंट के बाद 3 ही नंबर रखोगे। अब 3 नंबर में से आपका आंसर आ गया 64 का 8 आ गया ना, तो 8 तो हो गया, अब 2 नंबर बचे है ना, तो यहाँ पर 0 0 कर देना यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा 0.008 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसके पहले आप 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 0.008 आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन है, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर व्हाट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे करो आप, 3 3 9 प्लस 49 प्लस 81 आप सभी को ऐड कर लो, यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 और 40, 130 139, अब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये। इसको कैलकुलेशन करने के लिए यानी कैलकुलेशन देखो बस कुछ नहीं है, ये बस कैलकुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो कैलकुलेशन जितना फास्ट हो गए उतना अच्छा है, जितना आप क्लियर कर साफ साफ लिखोगे उतना अच्छा है, जितना फास्ट कर पाओ उतना अच्छा है, तो कैलकुलेशन है फिर कुछ ऐसा नहीं है आपके लिए, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो और मैं आपको साथ साथ ये भी बता दिया हूँ कि आपके 50 क्वेश्चन में कितने आपके कर पाते हो आप मुझे कमेंट करके बताना। अब देखो आपके करने से पहले हुए हो सकता है कि मैंने कर दिया हो, अब ये देख लो कि आपको बनने वाला है तो यहाँ पर नंबर आप ऐड कर लेना आप, ठीक है। चलो आगे है, 94 * 11 + 26 = 31, आप देखो 2631। अब देख लो ये है बोर्ड मास के रूल से चलना, ऐसा कभी नहीं मत करना कि दोनों ऐड कर देना फिर मल्टीप्लाई करना, ठीक है। गुना यहाँ भी रहता है तभी क्या करते हैं, पहले गुना ही करते हैं यहाँ पर। देखो बोर्ड मास में क्या होता है, BODMAS है यहाँ पर है, यानी बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ यहाँ काम करेंगे, घटाओ यहाँ, गुना यहाँ, भाग यहाँ, और ये ऑफ मतलब ऑफ तो एक तरह से गुना ही होता है, लेकिन पहले ऑफ का काम करते हैं फिर पहले ब्रैकेट का, ठीक है। इस तरह से चलते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 11, फिर ऐड करेंगे यहाँ पर 11 * 44 = 4 कैरी 4 हो जाता है यहाँ पर, 11 * 99 और 4 = 103 यहाँ पर ऐड मल्टीप्लाई करके होता है। अब ऐड कर लो यहाँ पर 4 1 5 6 6 3 3 6 6 5 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका आंसर है। इसमें भी आपको कैलकुलेशन ही करना था, लेकिन एक बोर्ड मास का भी एक तरह से रूल था इसमें, इस तरह से आपका आंसर बी भी क्वेश्चन बी भी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है। आगे आ जाओ, आगे है 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है तथा उनमें से 2 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष हो तो शेष लड़कों की
औसत आयु ज्ञात कीजिए क्या होगा। अब देख लो 15 लड़कों की कुल आयु कितना हो जाएगा। अब देखिए औसत इतना दिया है ना, तो कुल आयु निकालेंगे लिए क्या करेंगे, 12 गुना में 15 कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 300, नहीं 300 नहीं 180 हो जाता है यहाँ पर, माफ कीजिए यहाँ पर 180 हो जाता है, 15 गुना 30 15 180 हो जाता है। अब देखो उसमें से दो लड़का का औसत आयु कितना है, 20 है। अब इन दोनों लड़का का कुल आयु निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 20 यानी कि 40। अगर मान लो इनके आयु में से इनका आयु घटा देंगे तो शेष लड़के का क्या बन जाएगा, कुल आयु बन जाएगा ना। अब देखो इनमें से घटा दो 40 को, यानी 140 क्या हो जाता है, शेष लड़कों की कुल आयु होता है। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, औसत आयु पूछ रहा है ना, तो औसत आयु निकालेंगे क्या करेंगे, 140 बटा में कितने कितने लोगों की आयु था यहाँ पर, तो देखिए 12 थे, 12 में से दो तो निकल गए ना, दो निकल गए, अब कितने 10 बचे ना, 10 से भाग कर दो, यानी काट कितना हो जाएगा 14, 14 पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है चलो आगे आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है तो संख्याएं क्या है। देख लो मान लेता हूं पहला संख्या मान लेता हूं x, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, क्रमागत है ना, प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और तीसरी संख्या क्या बन जाएगा x प्लस 2, ये तीसरी संख्या बन जाएगा, तीसरा संख्या बन जाएगा। अब सभी का योग ना, सभी को जोड़ कितना बन रहा है, आपका आंसर 225 हो रहा है ना, यहाँ पर दिया है ना, पर दिया है यहाँ पर, अब इसको ऐड कर लो, x x और x है यानी 3x प्लस 1 और 2 3 हो जाएगा, बराबर में 225 है यहाँ पर है। अब तीन को इस तरफ कर देना आप, 3x, अब 3 इसमें से कम कर दो कितना हो जाएगा 2 2 2 बच जाएगा। अब 3 से यहाँ काट दो, 3 से काटोगे 3 7 21, 3 4 12 यानी 74, यानी x बराबर कितना 74 हो गया यहाँ पर ना, ये 74 बन जाएगा, 74 के बाद 1 ने 1 75 बन जाएगा, ये 76 बन जाएगा, यानी 74 75 76 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो आगे है, 125 का घनमूल क्या है, 125 का घनमूल क्या है, 125 का घनमूल इसमें से क्या है, तो 5 है, या घनमूल यानी कितना 5 × 5 × 5, 3 में से 1 निकालने पर कितना आप आंसर कर दोगे 5, यानी कि इसको गुना करने में कितना होता है 125 होता है ना, यानी कि 3 भाग में से 1 भाग निकाल लो आप, कितना आएंगे 5 5, आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही घनमूल कहलाता है। ठीक है देखो अब स्क्वायर कितना कर लेना, स्क्वायर आप कम से कम 30 तक स्क्वायर कर लेना, याद कर लेना आप स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, ऐसे चीज कम से कम 30 तक, वैसे तो 40 तक करोगे तो अच्छा है, और 20 तक आप क्या क्यूब कर लोगे आप, ऐसे में क्या ज्यादातर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है उस टाइम गुणा करने में समझने में आसानी मिलेगी आपको। ठीक है देखिए अगला जो क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो हमेशा याद रखें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, वही आपका आंसर है। अगला है 5.33, 5.330, 7.003, 9.333, इसको योग करने पर कितना हो रहा है। देखो इसमें कुछ है नहीं, बस आपको कैलकुलेशन करना था, यहाँ पर समझने के बाद यहाँ पर ये यह है, देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, 3 अंक है, 3 अंक है, यहाँ पर कितना है 5 अंक दे दिया गया है। सबसे पहले दशमलव के बाद क्या कर दोगे आप, सभी को 5 अंक कर देना आप, देखो 3 अंक यहाँ पर है ना, 2 अंक अपना मन से ऐड कर लो, यहाँ 3 अंक है ना, 2 मन अपना मन से ऐड कर लो, यहाँ पर है 2 ही अंक है ना, तो 1 2 3 0 कर दो। अब क्या कर लो, सभी को ऐड कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर में ऐड करके बताना, मैं अभी ऐड करूंगा थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप आंसर ऐड करके मुझे बताना कि ऑप्शन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है, ए हो रहा है या बी हो रहा है सी या फिर डी हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताना आप। ठीक है चलो आगे आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है, दो वृत्तों की दो त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अगर वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया है अगर, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालोगे, इसका भी स्क्वायर कर देना और इसका भी स्क्वायर कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप पॉइंट बनाकर नोट कर लेना आप। ठीक है उसे बनाओगे भी तभी आपका इतना ही होगा, इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया गया है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हो ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है याद कर लेना, वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए इसका 4 चौका 16 और ये 25 आपका आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखो त्रिज्या मान लेता हूँ 4 है और 5 है ना, देखो पहले का क्या हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर पहला त्रिज्या पहला, और दूसरा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर पाई पाई आर स्क्वायर, देखो ये दोनों तो कट ही जाता है ना, इसलिए क्या आर स्क्वायर बचता है और ये आर स्क्वायर बचता है ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली मैं स्क्वायर ही कर देता हूँ, मैं इतना क्यों बनाऊंगा। ठीक है ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है अगले क्वेश्चन पर आ जाओ जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक खिलाड़ी ने 5 मैचों के दौरान 10, 76, 82, 150 और 32 रन बनाए तो उनके औसत रन कितना है।
एक औसत निकालेंगे क्या करते हैं हम लोग, तो सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, सभी नंबर को जोड़ लेते हैं और जितने नंबर हैं यहाँ पर जितने मैच हुआ था उसको उससे भाग लगा देंगे, यानी कि 10 प्लस में 76 प्लस में 82 प्लस 150 प्लस 32 बटा में 5 कर दो यहाँ, क्योंकि 5 नंबर है यहाँ पर ना, 5 मैच हुआ था ना, तो ऐड कर लो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ऐड करके देख लो यहाँ पर, ऐड करो यहाँ पर 6 2 8 2 10 का 0 कैरी 1, एक हो जाएगा 4 5 9 और 9 8 17 17 और 7 24 1 25 का 5 हाथ में 2 हो जाएगा, 2 से 2 1 3 यहाँ हो जाएगा 350 बटा में ये 5 हो जाएगा, 5 7 35 यानी कि 70 आपको क्या हो जाएगा ये औसत रन निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में डी में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन कर पाए हो और क्या क्या डिफिकल्टी हुई है और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो और आप क्या चाहते हो एग्जाम के लिए, किस एग्जाम को तैयार करना चाहते हो आप, ये मुझे बताना। और साथ मुझे ये बताना कि अपना कमेंट जब भी करना तो नेम और सिटी मुझे मैसेज करना कि आपका नेम क्या है, आपका सिटी क्या है, और मैं आप लास्ट में मुझे आप कमेंट करके जय हिंद मुझे आप बोल सकते हो आप, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप वीडियो को पूरा पूरा लास्ट तक वॉच किए हो आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। किसमें क्या आता है, फिंगरप्रिंट के अंदर में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले जो आप लोग हैं उनका आंसर पूरी तरह से सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, केल्विन 295 केल्विन को तापमान में लगभग कितना होता है। देखो केल्विन को डिग्री फॉरेनहाइट में कैसे बदलते हैं हम लोग, देखो डिग्री फॉरेनहाइट को कैसे बदलते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, जितना केल्विन रहेगा केल्विन को में से 273 को आप माइनस कर देंगे, घटा देंगे, उसमें 9/5 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे और लास्टली इसमें 32 जोड़ देंगे, माफ कीजिएगा। देखिए इसमें इतना करने के बाद जो आएगा वो डिग्री फॉरेनहाइट होगा। देखिए केल्विन कितना दिया था मुझे, 295 दिया था ना, 295 माइनस में 273 यहाँ पर कर दो ऐसे, गुना में 9/5 गुना प्लस में 32 कर दो। अब देखो दोनों घटाने पर कितना हो जाएगा 22 गुना में 9/5 प्लस में 32। अब देखो दोनों को गुना करो, 9 18 8 9 18 19 98/5 प्लस में 32। अब भाग लगा दोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 3 15 4 5 9 45 5 6 33 इसमें 32 को ऐड करना आपको ना, प्लस 32 आपका ये है, यानी दोनों ऐड करने पर 71.6 हो रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, जो लगभग मान कितना है, लगभग मान कितना है, तो लगभग मान आपका 72 है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर पूरी तरह से मैच कर रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर ए करा है उनका आंसर पूरी तरह सही है, बाद बाकी आप ये फॉर्मूला याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इससे आप लोग देखो डिग्री फॉरेनहाइट टू केल्विन में बदल सकते हो अगर देखो तो आप, ठीक है। अगला है, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है यानी कॉमन नेम क्या है। ऑप्शन नंबर पहला है बेकिंग पाउडर, सोडा, सिरका या पोटास, तो कौन सा आपका आंसर इसमें से है देख लीजिए, गौर कर लीजिए। मेरी तरफ से इसका आंसर दिया जा रहा है पोटास दिया जा रहा है, पोटास भी इसका आंसर पूरी तरह से सही है, ठीक है। चलो अब आगे आता हूँ, अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टर का ऐसा उपकरण है, इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है क्या एसी को डीसी में, या डीसी को डीसी में, या डीसी को एसी में, या एसी को एसी में करता है, तो क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि क्या करता है डीसी को एसी में बदल देता है, कौन, तो इन्वर्टर बदल देता है, तो इन्वर्टर आपका आंसर पूरी तरह से सही है। तो आज मैंने 30 क्वेश्चन करवाया है, अभी इसके बाद मैं 20 क्वेश्चन फिर लेके आऊँगा, इसमें मैथ रहेगा रीजनिंग रहेगा, उस क्वेश्चन में देख लिया आप कितना है फिलहाल में, अभी आपने 30 क्वेश्चन में से कितना आपने आंसर सही सही करा है आपका आंसर यहां पर कमेंट में आने चाहिए, मैं इतना उम्मीद जरूर करूंगा। अभी क्लास सबके खत्म हो गए हैं, लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब भी कर लो, और क्लास अगर खत्म हो गया है तो एक शेयर जरूर कर देना, एक ग्रुप में जरूर शेयर कर देना, किसी को भी एक क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में हमारे द्वारा तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और आपके भी नाम रखेंगे, ठीक है। तो आप इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।